हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और आप सबका वेलकम है वाईफाई स्टडी 2.0 पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जी हाँ, फाइनली गाइस, लेट मी चेक वेदर आई एम लाइव और नॉट, और देन मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक वेदर आई एम लाइव और नॉट, एंड देन वी विल स्टार्ट योर टुडे सेशन। यस, एक सेकेंड का मुझे टाइम दे दीजिए। एंड आई थिंक आई एम लाइव। चलिए, तो मैं बिल्कुल लाइव हूँ और इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ आपकी आज की क्लास लेने के लिए। तो सबसे पहले आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है, आप उस प्लानिंग को थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए अगर 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फ़ी आपको पड़ेगी 7800 की। जी हाँ, और इसका ईएमआई पड़ेगा आपको 325 रुपीज़ पर मंथ का। अगर आप 12 मंथ का कोर्स एनरोल करते हैं तो उसमें आपको 60% ऑफ मिलेगा और इसकी फ़ी आपको पड़ेगी 6500 की और उसकी ईएमआई मिलेगी 5542 का। देन अगर आप 6 मंथ के लिए एनरोल करते हैं तो उसकी फ़ी आपको पड़ेगी 5400, इसकी ईएमआई पड़ेगी आपकी 900 पर मंथ। तो माय डियर, इनमें से कोई भी आप कोर्स लें तो मेरे अकॉर्डिंग मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी, जो 24 मंथ्स का लें, बिकॉज यहाँ पे पूरा सीईटी तैयार कराया जाएगा, यहाँ पे पूरा सीईटी क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। देन इसके बाद आते हैं कि ये जो आपको ऑफ दिखाई दे रहा है, इस ऑफ में 10% ऑफ आपको और ज़्यादा मिल सकता है। कैसे? अगर आप यहाँ पर रेफरल कोड डालेंगे, और वो रेफरल कोड क्या होता है, वो रेफरल कोड होता है आपका निहार 10। जी हाँ, निहार 10 रेफरल कोड डाल के आपको बस प्रोसीड करना है और आपको ईएमआई पे लेना है या आपको टोटल बिलिंग्स लेनी है, ये आपको हर चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अगर आप 10% का डिस्काउंट और चाहते हैं तो सिंपल सिंपल आपको निहार 10 कोड यूज़ करना है और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके साथ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ अन अकेडमी। जी हाँ, अन अकेडमी का एक बहुत प्यारा सा फीचर जो क्या है, आपका आस्क आ डाउट बाय अन अकेडमी। आपको क्या करना है, आपको अपनी होम स्क्रीन पे जाना है, होम स्क्रीन पे जाने के बाद आपको डाउट एंड सॉल्यूशन के ऊपर जाना है और जो भी आपका क्वेश्चन है आपको उसके पिक को क्लिक करना है, उसको क्रॉप करके उसको क्या करना है, अपलोड कर देना है, अपने क्वेश्चन को सबमिट करना है और आपको आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये आप लोगों की बेटरमेंट के लिए, जी, इट जस्ट ओनली फॉर योर बेटरमेंट, आपकी बेटरमेंट के लिए है आस्क एंड डाउट सेशन। इससे आपको लॉन्ग लास्टिंग वेट नहीं करना पड़ेगा और एट रैंडम आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये दो फीचर्स थे, एक आपका जो नया सब्सक्रिप्शन आया ये वाला और एक आपका अन अकेडमी का डाउट सेशन। तो ये दोनों बहुत याद रखना। एंड माई डियर, याद रखना, जितनी जल्दी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे सीईटी का उतना ही आपको क्या मिलेगा, फ़ायदा, क्योंकि 2022 से सीईटी स्टार्ट हो जाएगा। सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक कॉमन कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू आस्क योर क्वेश्चंस और योर डाउट्स ऑन द डाउट बाय अन अकेडमी टीम। चलिए, इसके साथ ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट और फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टूडेज क्लास। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन साइंस बाई निहारिका राठौर मैम, देन माई, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। जी हाँ, कभी भी कोई टीचर पढ़ाएगा तो इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। तो माई नेम निहारिका राठौर, क्वालिफिकेशन MSc B.Ed, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 9 ईयर्स इन बोथ वन डे एंड अकेडमिक्स। देन कौन कौन से एग्जाम कवर कराऊंगी आपको, तो ये सारे एग्जाम्स कवर कराए जाएंगे यहाँ पे आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इकोलॉजी में कवर कराऊंगी, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास वो ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है, आज की जो हमारी क्लास है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। और आपको पता है कि आज हमारी जगराता क्लास है। इसके बाद माय डियर, मेरा अन अकेडमी पे टाइम कितना है? जी हाँ, 2 दिन से एक्चुअली मेरा थोड़ा गला पेन कर रहा था, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो मैं क्लास नहीं ले पाई, बट फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स। जी हाँ, बस कल का रेस्ट आउट करती हूँ, संडे ऑनवर्ड्स से आपको ये रेगुलर टाइम पे मेरी सारी क्लास मिलने वाली है। मॉर्निंग में 8:30 to 10 AM, देन 4 to 5:30, देन 8:30 to 10 PM। तो ये आपको फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स, यानी कि संडे से ये टाइमिंग आपको क्या हो जाएगी, रेगुलर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आई नो थोड़ा भी इसमें हुआ है माई डियर, बिकॉज गले में बहुत ज़्यादा पेन, गले में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था इस वजह से, बट फाइनली क्लास को हम बिल्कुल रेगुलर तरीके से स्टार्ट करेंगे। देन YouTube पे मैं रेगुलर आ रही हूँ। हेलो मैम, हेलो हेलो माय डियर, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हेलो सबको। और माय डियर, यूट्यूब पे मैं रेगुलर आ रही हूँ मंडे टू फ्राइडे 12 बजे वाईफाई स्टडी पे, और यहाँ पे आपका चल रहा है डायमंड सीरीज, यहाँ पे आपकी चल रही है डायमंड सीरीज। और डायमंड सीरीज किस चीज़ के लिए है,
ये आपकी बायोलॉजी के लिए, जी हाँ ये आपकी बायोलॉजी की डायमंड सीरीज चल रही है। देन इवनिंग में मैं आऊँगी सैटरडे एंड संडे, तो कल मैं आपको शाम को मिलूँगी। जी हाँ कल शाम को मैं आऊँगी कहाँ पे, वाईफाई स्टडी पे। कितने बजे? नियर अराउंड मैं आपको मिलूँगी यहाँ पे 7 to 8 या 8 to 9, या तो 7 to 8 या 8 to 9 PM पे मैं मिलूँगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइंस के बहुत प्यारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। देन वाईफाई स्टडी 2.0 का मंडे टू फ्राइडे मेरा टाइम होता है 1 बजे रात को 10 बजे, और फिर आपका सैटरडे संडे क्या होता है, मैम क्यूज होता है दोपहर को 1 बजे, एंड आपका सैटरडे संडे, जी आप शनिवार लग चुका है, तो आपकी होती है जगराता क्लास। आपकी होती है जगराता क्लास। ऐसे बच्चे या ऐसे एस्पिरेंट्स जो दिन में पढ़ नहीं पाते, सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पे ही मैंने जगराता क्लास को क्या कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। चलिए इसी के साथ आगे क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। डोंट फॉरगेट टू यूज़ द रेफरल कोड निहार10 फॉर योर सब्सक्रिप्शन। एंड इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली माय डियर, अब मैं आपके नाम लेना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आपके नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ कौन कौन आ चुका है क्लास में, साइंटिफिक गेमर, स्मार्ट, हेलो मैम, अंशुमन मैम कहाँ गायब हो गए थी, मैं यहीं थी बच्चा, मैं यहीं थी और मैं अपनी क्लासेस को रेगुलर ले रही हूँ। तो जय श्री राम, जय कृष्ण और जय महाकाल के साथ क्लास को हम आगे, टाइम मैम टाइमिंग परफेक्ट है। जी हाँ अनुराग जी, ये उन बच्चों के लिए है जो कि दिन में नहीं पढ़ पाते। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है, आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे और आपको बताना है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू फिश, इनमें से सच्ची मछली कौन सी है। और ऑप्शंस आपके सामने है, स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश या शी हॉर्स। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से क्या करो, रिवाइंड कर लो कि कौन सी ट्रू फिश है, देन आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए जी बताइए, बिल्कुल चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताना शुरू करो। बिल्कुल जी, टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। जी हाँ टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, पढ़ने वालों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होती। हेलो मैम, पंकज, प्रमोद, दीपक, अनुराग, कार्तिक, माई गॉड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग माई डियर। चलिए कार्तिक राजपूत वो स्पिरिट है जो मेरे से बायो भी पढ़ने आते हैं। जय माता दी जी, बिल्कुल जी, जय कृष्णा। चलो अब मुझे क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करो, बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगी। और अगर मैंने आज आपको 1.5 घंटे पढ़ाया तो एटलीस्ट मैं 40 क्वेश्चंस कवर करा दूंगी। आज आपको 40 to 45 questions क्या करा दूंगी, कवर 40 to 45 questions में कवर कराऊंगी, चाहे वो आपके 1 घंटे में हो चाहे वो आपके 2 घंटे में। चलो जी चलिए बिल्कुल बिल्कुल आगे बताइए बच्चा। चलिए बिल्कुल यस माय डियर, यहाँ से राइट आंसर मुझे लगता था कि आप देंगे क्या, स्टार फिश माय डियर, बट स्टार फिश इज़ नॉट अ राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी हॉर्स। जो आपका ये सी हॉर्स है इसको आपकी सबसे स्मॉलेस्ट मराइन फिश कहते हैं। जी हाँ सबसे स्मॉलेस्ट मराइन फिश कहते हैं, सबसे छोटी पानी वाली मछली। आपकी 49 species है। जी हाँ बच्चा आपकी 49 species है मछलियों की, इतनी सारी प्रजाति हैं, 49 प्रजाति जो आपकी मछलियों की हैं, इन प्रजातियों में से सी हॉर्स आपकी सबसे छोटी है। तो अश्विन क्या है मैम, इसको बोलेंगे हम लोग सच्ची मछली, इसको हम क्या बोलेंगे मैम, ट्रू फिश बोलेंगे, यानी कि सच्ची मछली बोलेंगे। आपकी टोटल मछलियों की प्रजाति कितनी है, यू हैव टोटल 49 मैराइन स्पीसीज, जिनमें से आपकी स्मॉलेस्ट मैराइन कौन सी है, सी हॉर्स। तो वी कॉल्ड सी हॉर्स एज अ ट्रू फिश, इज इट क्लियर, तो एक बार थम्सअप हो जाए, इज इट क्लियर, तो एक बार क्या हो जाए, थम्सअप। जी हाँ बिल्कुल जी हाँ, कार्तिक राजपूत ने बहुत गजब का आंसर दिया, यस माय डियर सी हॉर्स जो है वो आपकी सबसे छोटी मछली है। तो माय डियर इसका राइट आंसर क्या जाएगा मैम, सी हॉर्स जाएगा, इज इट। चलो नाउ इट्स टाइम टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्लाइड इज विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फिश, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सी एक मछली है। एंड गाइज हे इज द पोल। चलिए मैम, सी कुकुम्बर, सी काओ, सी हॉर्स या सी रोयन, अब बताओ। इससे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका घूम क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम कर आया है। माय डियर क्वेश्चन कितना भी घूम के है, आपको आपके आंसर पे फोकस रखना है। अब बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या जाएगा,
साइंटिफिक के बार बच्चा मॉर्निंग में, कल ऐप पे भी तो पढ़ाना है ना, मॉर्निंग में कल ऐप पे पढ़ाना है। अगर अभी ज़्यादा लेट तक जागूंगी तो क्या होगा, गले में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि आज भी मैं ई एन टी स्पेशलिस्ट के पास गई थी तो मेडिसिन दिया है, और मैं मेडिसिन खा के आपको पढ़ा रही हूँ। बट इट्स माई पिंकी प्रॉमिस कि मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगी तो मैं 2 घंटे रेगुलर पढ़ाऊंगी। चलिए जी बताइए। यस अंशुमन साइंटिफिक के बार बिल्कुल जी, यस मैम सौरभ ने राइट आंसर दे दिया। और बच्चा सिर्फ आप लोगों के प्यार, आपका जो प्यार है, आपका जो अपनापन है, यही मुझे खींच के लेके आया है यहाँ पे कि मैं हर सैटरडे एंड संडे, जी हाँ हर शनिवार की रात, हर सैटरडे नाइट एंड हर संडे नाइट, जैसे कि आज शनिवार की रात चालू हो गई और कल संडे की नाइट, तो मैं यहाँ पे डेली 2-2 घंटे का मैराथन लिया करूँगी। जी हाँ 2 आवर्स का मैराथन, 2 घंटे का मैराथन, 2 आवर्स का मैराथन मैं रेगुलर आपका लिया करूँगी। आज भी 2 घंटे के मैराथन चलेगा, कम से कम आपको मैं 45 क्वेश्चन बहुत प्यारे बायो के कराने वाली हूँ। कल भी मैराथन चलेगा और देखो कितने अच्छे कलेक्शन लाई हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन के। तो बस आपको जुड़ना है, पढ़ना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। नहीं माई डियर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट आई एम अ हेल्थ काउंसलर, आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई एम अ हेल्थ काउंसलर। और माई डियर, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास थी इसलिए आज आपकी 10 PM की पिंपल वाली क्लास नहीं हो पाई, बट पिंपल वाली क्लास आपकी कल बिल्कुल सेम टाइम 10 PM पे मैं लेने वाली हूँ। चलिए यहाँ से राइट आंसर क्या जाएगा मैम, सी हॉर्स जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन योर स्लाइड इज हाउ मैनी बोन्स आर इन अ शार्क फिश। एक शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं, एक शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं, और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, 100, 0, 200 या 300। चलिए जी, आई वॉन्ट राइट आंसर। जी हाँ मैं राइट आंसर जानना चाहूँगी। अब आप मुझे बताएंगे कि एक शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं। मैम आँखों के लिए कुछ बताइए, ऑनलाइन क्लास ले लेकर आँखों में दर्द होता है। माय डियर मैंने आपको कहा था, एक बार आप क्या करें, एक बार आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को चेक करा के कोई पर्टिकुलर आई ड्रॉप ले आएँ जो वो आपको सजेस्ट करे, और इस आई ड्रॉप को 7-7 दिन में एक बार, यानी कि मैम वीक में एक बार, वंस इन अ वीक आप आँखों में डालें। और माय डियर आप प्रॉपर डाइट लें, आप प्रॉपर डाइट लें और विटामिन ई का और कैल्शियम का सेवन करें। जी हाँ कैल्शियम यानी कि मैम विटामिन डी का और विटामिन ए का सेवन करेंगे तो आपकी आईज में प्रॉब्लम नहीं होगी। साइंटिफिक गेमर ने बहुत सही आंसर दिया, सौरभ ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। मैम जो आपकी शार्क मछली होती है इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। यस माय डियर, जो आपकी शार्क मछली होती है इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती। मैम इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कार्टिलेज मसल्स पाई जाती है, इसके अंदर कार्टिलेज मसल्स। मैम कार्टिलेज मसल्स इसको हम क्या बोलते हैं मैम, उपास्थि। क्या बोलते हैं मैम इसको, बोलते हैं उपास्थि। तो मैम इसके अंदर उपास्थि पाई जाती है लेकिन मैम इसके अंदर कोई भी आपकी हड्डी नहीं। तो याद रखना ये आपका क्वेश्चन कहाँ पे आया था, तो ये आपका CGL 2017 में आया था, GD 2018 में आया था एंड NTPC 2021 में क्वेश्चन आया था कि आपके शार्क फिश के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। एंड यू हैव टू गिव द राइट आंसर, दैट इज मैम देयर इज 0 बोन इन शार्क फिश, देयर इज 0 बोन इन शार्क फिश। मैम ब्लू कट लेंस ग्लास होता है क्या बच्चा, ग्लासेस तो बहुत सारे होते हैं तो लेंथ तो ग्लास होएगा ही होएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा स्तनपाई या सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे, वेल, अफ्रीकन एलिफेंट, हिप्पोपोटामस या पोलर बियर। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और आज आपका बायो का बहुत खूबसूरत सा सेशन चल रहा है, जी हाँ बायोलॉजी का बहुत प्यारा सेशन चल रहा है। और ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये आपके किंगडम के ऊपर है, जी हाँ किंगडम, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर है ना आपका, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन किंगडम्स के लेसन के मैं लेके आई हूँ। GD में भी, यस माय डियर GD में भी, यह आपकी जो क्लास है स्पेशली अभी आप GD वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ जाओ, CBT 2 तैयारी करने वाले जुड़ जाओ, MTS की तैयारी करने वाले भी यहाँ पे जुड़ जाओ, तो ये तो खास खास बिल्कुल जुड़ ही जाओ। और जो जो LA की लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ जाइए। चलिए और राइट आंसर किस किस ने दिया, मैम कल भी है क्लास, यस माय डियर कल भी क्लास है। अंशुमन और कौन कौन है,
अंशुमन ने दे दिया, सौरभ ने दिया आंसर, सरिता ने दिया, साइंटिफिक गेमर ने दिया, धीरज ने दे दिया, हरकेश ने, पंकज शर्मा ने, कहाँ हूँ मैम यहीं पे है भाई। दिया रीट की तैयारी करोगे तो क्या दिक्कत जाएगी, रीट में आपको पता है ना आपके 6 to 7 मार्क्स की साइंस आएगी, तो आपका रीट हो चाहे आपका टेट हो हर एग्जाम के लिए आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है। एंड द राइट आंसर इज वेल। जी हाँ, वेल को बोलते हैं लार्जेस्ट मैमल। वेल को हम क्या बोलते हैं, वेल को बोलते हैं लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ। दुनिया की सबसे बड़ी मैमल का नाम क्या है मैम, वेल होता है। क्या होता है, वेल होता है। जी हाँ, लगभग 10 हाथियों के बराबर। जी हाँ, 10 हाथियों, 10 एलिफेंट, 10 हाथियों के बराबर एक अकेली क्या होती है, वेल पाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही वालों के लिए माई डियर, अगर मैं बोल दूँ ऑल एग्जाम, अगर मैंने बोल दिया ऑल एग्जाम, तो ऑल एग्जाम का मतलब है सभी एग्जाम के लिए। बच्चा मेरी बात समझो, अगर मुझे ऐसे ही कि बैच में साइंस पढ़ानी है, तो अगर मैं वहाँ पे आँख पढ़ाऊँगी तो MTS में भी तो मैं आँख ही पढ़ाऊँगी। तो साइंस में आँख आँख रहती है, नोज नोज रहती है, ईयर्स ईयर रहते हैं, तो साइंस में टर्म्स चेंज नहीं होते। तो अगर आप ऑल एग्जाम के रिगार्डिंग समझेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। मैम नींद नहीं आ रहा तो क्या करिए, तो आप लोग क्या करें, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स डज वेल बिलोंग। अब आप बताएंगे वेल किस में पाई जाती है, वेल कौन से समूह के अंदर पाई जाती है। वेल एक मछली है, वेल एक मैमल है, वेल एक रेप्टाइल है, या वेल एक एम्फीबियन है। चलिए बताइए मैम वेल क्या है, वह मछली है, वह मैमल है, वह रेप्टाइल है, या वह एम्फीबियन है। चलिए गाइज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हरी अप मुझे आंसर दो कि जो आपकी वेल है वो कौन से समूह से, कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। बिल्कुल हाँ अंशुमन, बिल्कुल जी, इतनी रात को ऑनलाइन क्लास, सम्राट जी सम्राट चक्रवर्ती, यस माय डियर, क्योंकि ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो दिन में क्लास किसी कारण देख नहीं पाते, ऑफिस वाले होते हैं या कोई और काम होता है, तो जस्ट उनके लिए हर सैटरडे एंड संडे, हर शनिवार और हर इतवार, जिसको हम बोलते हैं संडे है ना, यहाँ होता है जगराता सेशन। यहाँ पे क्या होता है बच्चा मेरे, जगराता सेशन। चलिए, सौरभ का, पंकज का, धीरज का, और साइंटिफिक गेमर का, अंशुमर का, यश का, कार्तिक का, सम्राट का, जी हाँ ओम ओम कुमार का भी आंसर आ चुका है। बिल्कुल बच्चा, मैम राइट आंसर क्या जाएगा, मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं, जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, जो अपने जैसे दिखने वाले बच्चों को जन्म देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं मैम, इनको हम बोलते हैं मैमल्स। है इसके अलावा मैमल्स की और क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो मैम मैमल की क्वालिटीज़ बहुत सारी होती है मैम। दे गिव यंग बर्थ, यंग वंस मैम, ये यंग वंस को जन्म देते हैं, ये अंडों को नहीं, ये मोस्टली मैम यंग वंस को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं मैम, मैमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, विच वन इज अ मैमल, कौन सा इनमें से मैमल है, शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस, या वेल। वाओ, अगेन रिपीट क्वेश्चन, लेकिन माय डियर एक बात समझो, क्वेश्चन जो रिपीट रिपीट आ रहा है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी गई है। जी हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या कर दिया गया है मैम, टोटली चेंज कर दिया गया है। तो याद रखना, अगर मैमल है तो मैमल जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम से, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम से आपका मैमल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मैमल के ऊपर लगातार 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि किस लेसन से कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाए जाएंगे। बिल्कुल यश जी बताइए मैम, BPS के लिए बताया जी कौन सा टॉपिक है बच्चा, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एक VIP टॉपिक है जहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यस माय डियर, सभी का आंसर बिल्कुल राइट, और राइट आंसर क्या जाएगा मैम, वेल जाएगा। वेल आपकी क्या है, इनमें से मैमल। Which of following species is the largest among the tooth whale? यानी कि मैम, ऐसी वेल जिनके दांत पाए जाते हैं, इनमें से सबसे बड़ी दांतेदार वेल का नाम बताएंगे। सबसे बड़ी वेल की प्रजातियों में, वेल की प्रजातियों में सबसे बड़ी दांत वाली वेल का नाम क्या है, फिनबैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल, या आपकी हम्प बैक वेल। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल बताओ। और कार्तिक राजपूत ने मुझे वेल ही भेज दिया, ओ माय गॉड, सो स्वीट ऑफ बच्चा, सो स्वीट ऑफ। चलिए, और इसी के साथ प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कल भी जगराता सेशन होएगा, कल भी आपको मैं 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी। जी हाँ बिल्कुल, और इसी के साथ गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, वेटिंग 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 वेटिंग, जल्दी बताओ जिसका राइट आंसर। राजकुमार ने मुझे आंसर दे दिया,
अंशुमन ने भी मुझे आंसर दे दिया। पंकज राजकुमार, साइंटिफिक गेमर का आंसर बहुत सही। जी हाँ, अब तक जितने आंसर आए उसमें साइंटिफिक गेमर का आंसर सही ऑप्शन नंबर 3। स्पर्म वेल आपकी वो वेल जिसके बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा मैम? राइट आंसर जाएगा आपका शुक्राणु वेल, जिसको हम क्या बोलेंगे मैम? स्पर्म वेल। स्पर्म वेल आपकी वेल की वो प्रजाति जिसके क्या होते हैं मैम? लॉन्ग, या फिर आप बोल सकते हैं मैम लार्जेस्ट टीथ होते हैं। मैम लंबे लंबे बड़े बड़े दांत किस कौन सी वेल के होते हैं मैम? वो आपकी स्पर्म वेल के पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं मैम? स्पर्म वेल के आपके दांत पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मैम इसी के साथ हम मूव करेंगे मैम नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है बच्चा? विच ऑफ फॉलोइंग लेज एग एंड डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। इनमें से कौन सा पहले अंडे देता है सीधा जन्म नहीं देता? चार नाम है, चार नाम में से आप बताएंगे कौन सा पहले अंडे देता है और उस बच्चे को जन्म नहीं देता। तो जो मैमल्स होगा इनमें से जो आपका मैमल नहीं, सुनो क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल। इनमें से कौन सा मैमल नहीं है, इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है, ये भी आप बता सकते हैं मैम। इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो इस ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, या तो आ जाएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, या फिर क्या आ जाएगा इनमें से कौन सा अंडे देता है सीधा बच्चों को जन्म नहीं देता। मैम एकाइंडिया, कंगारू, फिर आपका क्या बच्चा मैम? पोर्क्यूपाइन, फिर आपका आएगा व्हेल। तो बताओ बच्चा इसमें से राइट आंसर क्या जाएगा? आप नाइन्थ में क्लास लेते हो, चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा? थैंक यू माय डियर। और यहां से राइट आंसर क्या आ गया? यहां से राइट आंसर क्या आ गया? चलिए चलिए, तो इसका राइट आंसर जाएगा बच्चा क्या मैम? एकाइंडिया। जी हाँ मैम, एकाइंडा जो होता है ना बच्चा, ये आपका एकिंडा, इसको हम बोल सकते हैं मैम। ये जो आपका एकिंडा होता है, जी हाँ मैम, ये जो हमारा एकिंडा है ये क्या करता है मैम? ये पहले अंडों को जन्म देता है, लेकिन बाकी सारे क्या है मैम? बाकी सारे मैमल्स हैं। बाकी सारे क्या है मैम? बाकी सारे मैमल्स हैं, ये सीधा आपके यंग वंस को, यानी कि मैम ये सीधा हमारे बच्चों को जन्म देती है। तो मैम ये सीधा यंग वंस को जन्म देती हैं। और मैम जो आपका एकिंडा है वो आपका क्या है मैम? जो आपका एकिंडा है ना मैम, जो एकिंडा है या एकिंडा है, इसको एकिंडा ही बोल दो, ठीक है मैम? जो आपका एकिंडा है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा मैम? एकाइंडना भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो बच्चा ये दोनों ही वर्ड है और मुझे इसको एकिंडना बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है। हम इसको क्या बोलेंगे मैम? एकिंडना बोलेंगे। क्या बोलेंगे मैम? इसको हम बोलेंगे एकिंडना, है ना? चलो जी, अब मैम ये जो होता है ये आपके अंडे को जन्म देता है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है बच्चा? नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के लिए स्लाइड पे क्या है? मैमल हु आर कैपेबल इन फ्लाइंग। एक ऐसी स्तनपाई का नाम बताए, एक ऐसी स्तनपाई का नाम बताए, एक ऐसे स्तनधारी का नाम बताए जो उड़ने में सक्षम है। अब आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या हैं मैम? जगुआर, ऑस्ट्रिच, आपका पेलिकन या आपका बैट, इनमें से कौन उड़ सकता है? इनमें से कौन उड़ सकता है, इसका आप मुझे राइट आंसर दे दो, जल्दी से बताओ। अंशुमान बच्चा, अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगी ना बायो में किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, वहां मैं आपको इन सबकी पिक्स दिखाऊंगी। बट बच्चा लाइव क्लास में पिक्स दिखाना भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल जी, चलिए बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर। अंशुमन ने, अंकित ने और मुकेश ने, साइंटिफिक गेमर ने बिल्कुल सही दिया। रवि का भी आंसर सही, धीरज का भी सही, उत्तम का, कार्तिक का, श्रवण का, गजब का आंसर बच्चा चमकादड़। और ठीक है मैम, चमकादड़ इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। और चमकादड़ अपने अंदर से कौन सी वेव निकालती है? चमकादड़ अपने अंदर से कौन सी तरंग निकालती है? जरा मुझे इसका राइट आंसर दो। चमकादड़ अपने अंदर से कौन सी तरंग निकालते हैं? मुझे इसका राइट आंसर दो, बोलो बोलो जल्दी से। चमकादड़ रात में शिकार करती है, यह रात में शिकार करती है, यानी कि भी रातों की शिकारी है। रात में शिकार करने के लिए कौन सी तरंग का यूज करती है? बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अल्ट्रासाउंड। जी हाँ मैम, क्या जाएगा मैम? अल्ट्रासोनिक वेव, उसको बोलते हैं मैम। यहाँ पे क्या आएगा मैम? अल्ट्रासोनिक वेव। क्या आएगा मैम?
अल्ट्रासोनिक वेव, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़ होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज़ पाई जाती है बच्चा। अल्ट्रासोनिक वेव का ये क्या करती है, इस्तेमाल करती है। जी हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है। और बच्चा जो आपकी चमगादड़ होती है वो अंधी होती है। चमगादड़ कैसी होती है, अंधी होती है, याद रखना मैम। चमगादड़ ब्लाइंड होती है, ये आपकी तरंग की सेंस करके शिकार करती है। चमगादड़ अंधी होती है, ये एक VIP एक रहस्यमय बात है, एक VIP पॉइंट है कि चमगादड़ क्या होती है मैम, अंधी होती है। ये तरंग के माध्यम से अपना रास्ता ढूंढती है और तरंग के माध्यम से ही क्या करती है मैम, शिकार भी करती है। ठीक है चलो अगला आर्टिकल, अगला आर्टिकल मैम, अगला आर्टिकल देखते हैं। जो आपका गैबिलियस है, जो बच्चा क्या है मैम, जो आपका गैबिलियस मगरमच्छ है वो कहाँ ज़्यादा पाया जाता है बच्चा, गैबिलियस जो आपका मगरमच्छ है, जी हाँ मैम, गैबिलियस मगरमच्छ जो है वो आपका कहाँ ज़्यादा पाया जाएगा, गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में या कावेरी में? ये आपका मगरमच्छ आपके नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, ये मगरमच्छ आपके नॉर्थ इंडिया के नदियों में पाया जाता है। अब भारत की उत्तरी नदी कौन सी है, जी हाँ उत्तरी भारत की नदी कौन सी है, उत्तरी भारत की कौन सी नदी है ये मुझे आप बता दो, आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बताइए। सोनार, साइंटिफिक गेम जो है सोनार क्या है बच्चा, सोनार तो आपका डिवाइस है जो क्या करता है आपकी सब मेराइन को सेंस करता है ना। बिल्कुल जी, गुड नाइट मैम, ओके माई डियर, गुड नाइट। ठीक है चलो बताओ, और यहाँ से मुझे राइट आंसर किसने दिया, साइंटिफिक गेमर का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लास कितने बजे चलती है, क्लास आपकी 1 बजे चालू होती है, 1 बजे क्लास चालू होती है। इस क्लास को चालू है अभी तक 25 मिनट हो चुके हैं माय डियर। गंगा गंगा गंगा, जी हाँ भारत की प्रमुख नदी जिसका नाम क्या है मैम, गंगा, जी हाँ मैम, गंगा में ये पाए जाते हैं। मैंने बोला था उत्तरी भारत में, तो गंगा के अंदर मैम ये आपके पाए जाते हैं। क्या मैम आपका गैबिलिस मगरमच्छ, जी हाँ, जो आपके गैबिलिस मगरमच्छ है ये आप गंगा नदी के अंदर पाए जाते हैं। नो मैम, बैट को दिखाई देता है, यू आर रॉन्ग। अमन गिरी बाई डियर, एक काम करो कि ना जो इसकी बायोग्राफी है उसको जाके पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। चमगादड़ अंधी होती है, वो क्या करती है, वो आपकी जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उससे सेंस करती है। ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी तक आपको किसी ने बायो अच्छे से पढ़ाई नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। चमगादड़ आपकी अंधी होती है बच्चा, चमगादड़ को दिखाई नहीं देता, चमगादड़ को दिखाई नहीं देता, वो क्या करती है, वो आपकी वेव्स को सेंस करती है। बिल्कुल जी मैम, पिंपल की क्लास हुई थी, नहीं बच्चा पिंपल की क्लास कब होगी, कल होएगी। चलिए पिंपल की क्लास कल होएगी। अगला आर्टिकल, तो अगला आर्टिकल क्या है, विच इज एन एट्रोशियस एनिमल। एट्रोशियस मतलब क्या होता है, खतरनाक, खूंखार, खूंखार, खूंखार यानी कि मैम बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस एनिमल इनमें से कौन सा है। और ऑप्शन आपके सामने मैम, पेंगुइन, वेल, ऑटर या टॉर्टोइस, बताओ जी इनमें से सबसे खूंखार कौन सा है, जो आपका क्या होता है, जो सीधा खून को पीता है, यानी कि मैम जो आपका ब्लड लवर होता है। एट्रोशियस एनिमल्स को बोलते हैं ब्लड लवर, क्या बोलते हैं मैम, ब्लड लवर यानी कि खून के प्यासे, बताओ जिसका राइट आंसर क्या जाएगा, बताओ बताओ जल्दी से जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। आई एम वेटिंग। बोल दो जल्दी जल्दी बोल दो, और बच्चा एक बच्चा कह रहा है कि मैम डेंजरस क्रोकोडाइल का आंसर क्या है, तो बच्चा विश्व का सबसे खतरनाक है आपका नाइल क्रोकोडाइल। तुम लोग ना एक बार में एक बात नहीं पढ़ते मैम, नाइल क्रोकोडाइल आपका वर्ल्ड डेंजरस क्रोकोडाइल है। ठीक है चलो, विश्व का सबसे खतरनाक है। चलो जी आगे देखते हैं आगे, मैम नींद नहीं आ रही, जिसको नींद नहीं आ रही वो पढ़ते रहो मैम। इसका आंसर जाएगा ओटर, इसका आंसर क्या जाएगा, ओटर। ओटर जो होता है बच्चा वो आपका कुछ कुछ नेवले की तरह दिखता है, जी हाँ कुछ कुछ नेवले की तरह दिखता है लेकिन पूरी तरह नेवला नहीं होता। और ये आपका क्या करता है मैम, ये नश्वर होता है, ये क्या करता है बच्चा सीधा अटैक करके मार दे के खा जाता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ओटर। इसका राइट आंसर क्या, मैंने बोला खून, तो बच्चा ब्लू व्हेल खून नहीं पीती, ठीक है ब्लू व्हेल क्या है वो आपके ब्लड लेवल नहीं है, लेकिन बच्चा ऑटर क्या है, वो आपके खून का प्यासा होता है, ऑटर आपके खून का प्यासा होता है मैम, इसको बोलते हैं ब्लड लेवल। ये मैम ये खूंखार होता है, कैसा होता है बच्चा मेरे, मैम यह खूंखार होता है। ठीक है चलो जी आगे चलें, जी हाँ मैम अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है चलो जी, इसके अलावा ऑटर को एक नाम और क्या बोलते हैं बच्चा, ऑटर को बोलते हैं सीरियल किलर एनिमल, क्या बोलते हैं, सीरियल किलर
एनिमल, मैम इसी को बोलते हैं सीरियल किलर एनिमल ऑफ द सी, समुद्र का बादशाह, यानी कि समुद्र समुद्र में पाए जाने वाला सीरियल किलर एनिमल कौन सा होता है, वो होता है आपका ओटर। क्या होता है बच्चा? ओटर होता है। इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्स्टर ऑफ सी। क्या बोलते हैं मैम? मॉन्स्टर ऑफ सी। मैम समुद्र का गुंडा भी बोल सकते हैं, तो मैम मॉन्स्टर ऑफ सी, सीरियल किलर एंड सीरियल किलर एनिमल ऑफ द सी, या फिर मैम एट्रोशियस एनिमल, वो क्या है बच्चा? ये आपका ऑटर है। और आपको पिक देखनी है तो माई बच्चा आप पिक को क्या करो, गूगल पे जाकर सर्च करो, आपको पिक देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, आगे देखते हैं मैम। आगे अगला आर्टिकल क्या कहता है? द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन द स्ट्रीट। बचपन में किस किस ने भालू का डांस देखा है? चलो मुझे कमेंट करके बताओ, बचपन में किस किस ने भालू का डांस देखा है? किस किस की गली में भालू का डांस दिखाने वाला आया करता था? मैंने देखा है, मैंने अपने बचपन में भालू का डांस देखा है। क्या आप में से किसी ने देखा है? तो वो भालू जो आपकी सड़कों पे डांस शो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लोट बियर, सन बियर, ब्राउन बियर या कैट बियर, बताओ जिसका राइट आंसर क्या जाएगा। हाँ बच्चा बिल्कुल साइंटिफिक है मैम, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, थैंक यू, चलो इसका राइट आंसर दो मैम। मैंने देखा है ना, तो अब मुझे बताओ वो भालू जो आपका डिंग 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 डांस करता था, उस भालू को हम क्या कहते हैं मैम? स्लोट बियर, सन बियर, ब्राउन बियर या कैट बियर, बताओ जी। हाँ सौरभ, देखा है ना, बिल्कुल जी, मैंने भी देखा है, मैंने भी जिंदगी में दो बार भालू देखे हैं मैम। बस तो 11 साल का मैम, मैं तो बस 11 साल का हूँ। ओ माय गॉड, साइंटिफिक गेमर, चलिए जी कोई बात नहीं। अच्छा जी, इसका राइट आंसर जाएगा बच्चे स्लोथ बियर। उसको हम क्या बोलते हैं मैम? ऐसा भालू जो आपकी प्रदर्शनी करता है सड़कों पे, उसको हम क्या बोलते हैं मैम? उसको बोलते हैं हम लोग स्लोथ बियर। क्या बोलते हैं मैम? स्लोथ बियर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मैम? विच ऑफ फॉलोइंग फीचर सेपरेट मैन ह्यूमन फ्रॉम द एप। कौन सी विशेषताएं वानर को आदमी से अलग करती है? यानी कि मैम एक जगह है आपका वानर, एक जगह है आपका आदमी, तो आदमी और वानरों में कौन सी क्वालिटी नहीं पाई जाती है? यानी कि मैम कौन सी क्वालिटी क्या करेगी, इनमें अंतर पैदा करेगी? कौन सी क्वालिटी इनके अंदर अंतर पैदा करेगी? सीखने की इच्छा, ठीक है मैम, गंध को सूंघना मैम, इनके अंगूठे होते हैं, या मैम इनकी व्यापक मैम इनकी ब्रॉड चिन, तो कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो वानरों में नहीं पाई जाती और इंसानों में पाई जाती है, बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। योगेश भाई, कोई दिक्कत नहीं माई डियर, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी जल्दी जल्दी बताओ माई डियर इसका राइट आंसर क्या जाएगा। अंशुमन ने मुझे राइट आंसर दे दिया है, और योगेश का भी आ चुका है राइट आंसर, अंशुमन का, योगेश का राइट आंसर आ चुका है। और बताओ जी, अजय ने आंसर दिया, राजेश का दिया, अंकित का आ गया, दीपक का आ गया, गेमर का आ गया, अजय का भी आ चुका है, और अंकित ने भी आंसर। अंकित अब वेल कहाँ से आ गई माई डियर, अब वेल नहीं आएगी, बताओ जिसका राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ मैम, कार्तिक राजपूत ने भी आंसर दिया, बच्चा सीखने की इच्छा, लर्निंग एबिलिटी। क्या बोलते हैं मैम? लर्निंग एबिलिटी ये बस किस में होती है? ये बस इंसानों के, सीखने की इच्छा ये बस इंसानों में होती है, ये वानरों के अंदर नहीं पाई जाती, वरना वानर को दिखाई देता है, वो स्मेल कर सकते हैं, उनकी भी क्या होती है? मोटी मोटी चिन होती है। तो मैम एक सीखने की इच्छा खाली इंसानों में होती है, जानवरों में, वानरों में नहीं होती, तो यही गुण क्या करता है? इन दोनों को अलग करता है, यही गुण इन दोनों को अलग करता है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एप। इनमें से कौन सा आपका बंदर नहीं है? इनमें से कौन सा आपका बंदर नहीं है मैम? गिबोन, गोरिल्ला, लंगूर या आपका ओरंगुटन, बताओ जी इनमें से कौन सा आपका बंदर नहीं है? चलिए जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा आपका बंदर नहीं है, ये मुझे आप बताएंगे मैम। इनमें से कौन सा बंदर नहीं है, तो यानी कि वो बंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपका क्लोज है, किसके? ह्यूमन के, कहीं ना कहीं वो ह्यूमन की स्पीसीज के क्लोज है, बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ। ह्यूमन का पड़ोसी रिश्तेदार, इंसान का पड़ोसी रिश्तेदार, रिश्तेदार कौन सा है इन चार में से, बताओ उसका राइट आंसर क्या जाएगा।
हाँ बच्चा मैं बिल्कुल सरल स्वभाव की। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। थैंक यू पम जी, थैंक यू। चलिए, और कई बच्चों ने कुछ वल्गर कमेंट्स करे बट मैंने उनको ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे उन कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ और किसी भीड़ में लड़ाई का हिस्सा बनना मुझे शौक नहीं है। मुझे सिर्फ आओ पढ़ाओ अपना बेस्ट और चले जाओ। चलो बताओ इसका राइट आंसर। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पीना है जिससे कि आपका गला डिहाइड्रेट रहे। एंड माय डियर, लंगूर इज द राइट, लंगूर बंदर नहीं है, लंगूर बंदर नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंसानों के आसपास पाया जाता है, इंसानों के आसपास की श्रेणी में पाया जाता है, इंसान के आसपास के वर्ग में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव ऑफ ह्यूमन। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि लंगूर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ऑफ ह्यूमन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव ऑफ ह्यूमन, इंसानों का रिश्तेदार। कौन सी प्रजाति इंसानों के रिश्तेदार कहलाई जाती है, तो मैम जो लंगूर है उसको हम क्या कहते हैं, मैम इंसानों की प्रजाति का कहते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं, आगे इसका राइट आंसर क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जी हाँ मैम, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप, सबसे छोटा आदमी की तरह जो आपका एप है इसका नाम क्या है। जी हाँ, सबसे छोटा जो आपका आदमी की तरह एप है इसका नाम क्या है, बिल्कुल बताइए। ये गलत है, कोई बात नहीं। सबसे छोटा बंदर जो आदमी के हाइट के बराबर पाया जाएगा, सबसे छोटा बंदर जिसकी हाइट लगभग आदमी के बराबर होती है, जिसकी हाइट लगभग लगभग इंसान के बराबर होती है, उस बंदर का नाम क्या है मुझे बता दो। गिबोन, गोरिल्ला, चिंपांजी या ओरैंगुटन। चलो जी बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। एक ऐसा बंदर जिसकी हाइट कहीं ना कहीं आपके इंसानों के आसपास की पाई जाती है। बिल्कुल जी, मेरे को टॉन्सिल नहीं है, मेरे को टॉन्सिल नहीं है, मेरी वोकल कॉर्ड में सूजन आ गई थी क्योंकि मैंने एक्सेस स्ट्रेस गले को दिया था इसीलिए। बट टेंशन नो, मुझे लैरिंगजाइटिस हो गया था, डेट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब मेरा लैरिंगजाइटिस बहुत हद तक सही है और नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेल, और धीरे धीरे मैं रिकवर कर जाऊँगी। ठीक है, बिकॉज गले दर्द की वजह से मेरे कान पर भी असर पड़ा था और मेरे कान की जो नर्व्स थी ये वाली पूरी खिंच गई थी, ये पूरा दुख रहा था और मेरे को हेडेक हो गया था, मेरा बीपी भी लो हो गया था। फाइनली इतने दिन के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करी, इसलिए आज मैंने रात की 10 आपकी 1 AM की क्लास ली है। एंड माय डियर, राइट आंसर क्या है बच्चा, गिबोन। जी जो आपका गिबोन है इसकी जो हाइट होती है वो लगभग लगभग आपके इंसान के हाइट के बराबर पाई जाती है। तो गिबोन की जो हाइट होती है, जी हाँ बच्चा मैम, गिबोन की जो हाइट होती है वो कहीं ना कहीं सिमिलर किसके होती है, इंसानों की हाइट के बराबर पाई जाती है। तो ये एक ऐसा बंदर है जो कहीं ना कहीं आपके आदमी की हाइट को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। जी हाँ, चलिए बच्चा और इसका राइट आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल जी, गिबोन इज द राइट आंसर। गिबोन, 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 गिबोन इज द राइट आंसर। जी हाँ माय डियर, गिबोन इज द राइट आंसर। और टीचर्स डे के लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट आपको मैं देने वाली हूँ। जी हाँ, 5th ऑफ सेप्टेम्बर को क्या है माय डियर, टीचर्स डे है। क्या है मैम, टीचर्स डे है। अब टीचर्स डे है तो ये हमारा दिन है, तो गिफ्ट तो आप मुझे देंगे, तो गिफ्ट मैं आपको दे देती हूँ। जी हाँ, गिफ्ट मैं क्या करती हूँ, गिफ्ट मैं आपको दे देती हूँ। अब मैं ऐसा क्या गिफ्ट दूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदा देने वाला है। तो आने वाले CBT 2 की तैयारी के लिए, आने वाले CBT 2 की तैयारी के लिए और आने वाले GD के एग्ज़ाम के लिए, मैं ला रही हूँ संडे को, मैं ला रही हूँ संडे को 1 बजे 2 घंटे की क्लास, जहाँ पे आपको CBT 2 की और GD के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। जी हाँ, बकायदा प्रीवियस ईयर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, बकायदा आपको क्वेश्चंस के नीचे प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा। तो NTPC CBT 2 के लिए और GD के लिए ला रही हूँ संडे को 1-2 घंटे की क्लास, ज्वाइन करना मत बोलना, दिस इज योर गिफ्ट बाय मी। चलिए बिल्कुल जी, चलिए हाँ जी, आपके सर्व कृष्ण राधा जी का जो जन्मदिन है इस पर हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। जी हाँ, हम देंगे भी गिफ्ट। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए थ्योरी कब पढ़ाएंगे मैम, भाई मेरे बच्चा लोग, थ्योरी चल रही है वाईफाई स्टडी इसी चैनल पे, वाईफाई स्टडी 2.0 पे डेली सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 1 बजे आपकी धमाका सीरीज चल रही है। कौन सी मैम, धमाका सीरीज, कौन सी धमाका सीरीज, और ये धमाका सीरीज में क्या चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है। क्या चल रही है, केमिस्ट्री। और वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे, वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे
सोमवार से शुक्रवार डेली दोपहर को 12 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास चल रही है, जहाँ पे मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ बायो में पढ़ा रही हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन, और केमिस्ट्री में मैंने स्टार्ट करा है स्टेट ऑफ मैटर। तो आप क्या करो, मेरी 12 बजे की क्लास वाईफाई स्टडी पे और आपकी दोपहर 1 बजे की स्टडी 2.0 पे देख लिया करो, यहाँ पे केमिस्ट्री और यहाँ बायो आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है? चलिए, ओके ओके, बिल्कुल माय डियर, बिल्कुल जी, बिल्कुल स्मार्ट जी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पांडा बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ डेट, पांडा के परिवार का नाम बताओ जल्दी से। पांडा कौन से परिवार में पाया जाता है, भालू के परिवार में, बिल्ली के, कुत्ते के, या फिर आपके मैम रैबिट के? तो मैम रैबिट, डॉग, कैट या बियर, कौन से परिवार में आपका पांडा पाया जाता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। आप नाइट ऑल है, आप सोते नहीं है माय डियर। एक्चुअली मैंने पिछले महीने जगराता सेशन लिया था, तो ये सेशन इतना प्यारा गया था, बच्चों ने डिमांड कर दी मैम हर महीने लाया करो। तो हर महीने, हर हफ्ते सैटरडे एंड संडे को रात को 1 बजे से लेके कम से कम आपका 2:30 या 3 बजे तक आपका क्या चला करेगा, आपका जगराता चला करेगा, बिल्कुल जी। और राइट आंसर मेरा किस किस ने दिया है बच्चा, मुझे दिया है उत्तम ने, अंशुमन ने, कोटा ने, और डेली ने आंसर दे दिया, अजय का आंसर आ चुका है, और कौन आ चुका है, चिंटू का, साइंटिफिक गेमर का, दीपक का, अजय सिंह का, अंशुमन का, फैक्ट मोटिवेशन का, चिंतू, सौरभ कहाँ जा चुके हैं, सौरभ यहीं पे, हाँ जी हाँ सौरभ यहीं पे, सौरभ मेरे रेगुलर स्टूडेंट बन चुके हैं, और हमारे राजपूत जी थे, राजपूत जी कहाँ चले गए, कार्तिक राजपूत भी यहीं पे हैं, हाँ बिल्कुल। देखा मुझे आपके नाम याद हो गए बच्चा, भालू की प्रजाति का, पांडा क्या है, भालू की प्रजाति का है, और पांडा ना अभी बेसिकली आपको चाइना में देखने को मिलेंगे, जी हाँ चाइना के अंदर पांडा देखने को मिलेंगे, वरना पांडा क्या होने लगे हैं मैम, पांडा विलुप्त होते जा रहे हैं, पांडा विलुप्त, पांडा धीरे धीरे क्या होने लगे हैं, विलुप्त होने लगे हैं। मैंने भी आज तक अपनी लाइफ में पांडा नहीं देखा, भालू जिंदगी में एक बार देखा पांडा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पांडा ब्लैक एंड व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे भक्त से भालू होते हैं ना, और पांडा जो होते हैं वो आपके जंगली भी होते हैं, और पांडा आपके पालतू भी पाए जाते हैं, ठीक है। पांडा बहुत प्यारे होते हैं, और सबसे जो इनोसेंट भालू की प्रजाति होती है, सबसे इनोसेंट भालू की प्रजाति कौन सी होती है, वो आपकी पांडा ही कहलाई जाती है। चलो जी आगे देखते हैं हम, आगे बच्चा डीएनए, अगर कोई देखो सीधी सी बात है, एक बात समझो, अगर मैं बोलूँ लोयन और मैं बोलूँ अगर मैन, तो मैन को हम क्या बोल देते हैं मैम, मैम जो हम इंसान वो हम ओमनीवोर्स हैं, हम क्या हैं मैम, ओमनीवोर्स हैं। लोयन क्या है मैम, लोयन कार्निवोर्स, ये क्या है मैम, कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स जो आपका कच्चा मांस खाते हैं, ओमनीवोर्स जो आपका पका हुआ मांस भी खाते हैं, हरी सब्जी भी। तो बच्चा इंसान ओमनीवोर्स क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स डीएनए, अगर इंसान का डीएनए डाल दोगे शेर में तो क्या हो जाएगा मैम, शेर भी ओमनीवोर्स बन जाएगा, शेर का डाल दोगे इंसान में तो इंसान का बन जाएगा बच्चा कार्निवोर्स बन जाएगा। तो ये सारा खेल इज ऑल अबाउट डीएनए, जी हाँ, कौन सी प्रजाति क्या खाती है ये उनके डीएनए के अंदर पहले से क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। हाँ बच्चा, मैंने क्या बोला कि पांडा पांडा डेंजरस नहीं, मैंने बोला इनोसेंट है, जो पालतू है, जो पालतू पांडा है वो सबसे ज्यादा इनोसेंट है, और वरना वो खूकार भी पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने दोनों ही बात बोली बच्चा, मेरी दोनों बात सुन लिया करो, बिना सुने कैसे रिएक्शन देते हो। चलो जी, तो बोला कि मैम ये आपके कार्निवोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चा ये सारा खेल डीएनए का है। जी हाँ, कल मैंने पढ़ाया था कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, कल मैंने क्या पढ़ाया था, कल मैंने आपको ओल्ड एज पढ़ाया था कि इंसान को बुढ़ापा क्यों आता है। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो है बालू, उस क्लास को देखो, समझ में आएगा सारा खेल किसका है, हार्मोन्स का नहीं डीएनए का है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ वन हैव 3 chamber heart, किस में 3 chamber heart पाया जाएगा। चार नाम आपके सामने हैं और इन चार नामों में से 3 chamber heart किसके अंदर पाया जाएगा, ये आप मुझे आंसर बताएंगे, मोंकी, क्रोकोडाइल, फिश या फ्रॉग। और हिंट सुन लो, हिंट क्या होता है मैम, जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, या फिर जो आपके एम्फीबियन होते हैं, जिनको बोलते हैं उभयचर, क्या बोलते हैं मैम, उभयचर, और रेप्टाइल्स मैम रेंगने वाले, तो मैम इनके अंदर क्या होता है, आपका 3 chamber heart पाया जाता है, 3 chamber heart पाया जाएगा। अब बताओ इसका राइट आंसर, फिर बताऊंगी कि 3 chamber heart कैसा होता है, बताओ जी।
माय डियर, मैं इंस्टा पे हूँ ही नहीं, मैं इंस्टा पे हूँ ही नहीं, तो मेरे को ढूंढना में टाइम वेस्ट ना करे जी। जी हाँ बिल्कुल साइंटिफिक है, मगर बच्चा ये कोड भी है और ये आपकी पहचान है, ये आपकी पहचान है। जो आज तक HIV एड्स की बीमारी अब तक भी ठीक नहीं हो पाई, कैंसर ठीक नहीं हो पाया, TB ठीक नहीं हो पाया, तो ये सब DNA, क्योंकि बच्चा DNA को बदलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला अब तक। साइंस ने इतनी तरक्की करी नहीं कि वो DNA को बदल पाए। बताओ जिसका राइट आंसर। और चिंटू ने मुझे आंसर दिया, साइंटिफिक गेमर ने, और पंकज ने, पिंटू ने, दीपक जी ने आंसर दे दिया, सम्राट ने भी मुझे आंसर दे दिया। यस बच्चा फ्रॉग, मेंढक के पास आपका 3 चैम्बर हर्ट होता है। चलो जी, दिल का डायग्राम बनाए। दिल का एतबार मत करना, लोगों को धोखा दे जाता है ना। चलो जी, इस टाइप से इनका हर्ट होता है। मैम इनके पास क्या होते हैं? मैम इनके पास आपका जो वेंट्रिकल होता है, जी हाँ मैम, इनका जो वेंट्रिकल होता है वो एक होता है। और बच्चा इनके RTM क्या होते हैं? मैम इनके RTM क्या होते हैं? मैम दो होते हैं। यानी कि मैम इनमें निलय कितना होता है? मैम इनके अंदर निलय तो होता है एक, और इनमें आलिंद कितने होते हैं? मैम दो। तो इस टाइप के हर्ट को हम क्या बोलते हैं? 3 चैम्बर हर्ट बोलते हैं, जिसमें आपके आलिंद आपके दो होते हैं और निलय आपका एक पाया जाता है। आई बात समझ में? हाँ बच्चों, देखो सबका तरीका होता है, ये है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अब मैं बोलूँ आपको कि भाई कि तू ये तू वो, तू ये तू वो, तो आपको क्या लगेगा? मैडम हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रही। और बच्चा याद रखना, इंसानी फितरत में लिखा है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। जितनी इज्जत सामने वालों को आप दोगे, उससे कहीं ज़्यादा आपको बदले में मिलेगी। तो माय डियर एक बात बताओ, आप सब बीइंग अ टीचर मैं आपकी सीनियर हूँ, और बीइंग स्टूडेंट आप सब मेरे क्या है? बच्चे, तो मैं प्यार से बच्चा ही तो बोल रही हूँ। क्या मैंने कोई वल्गर वर्ड यूज़ करा? तो मुझे अच्छा लगता है बच्चा बोलना, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से, जी हाँ पिछले 9 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ। पहले मैंने एकेडमिक्स को पढ़ाया, फिर मैंने वनडे एग्जाम्स में अपनी एंट्री ली। तो इतने 9 साल से पढ़ा पढ़ा के मेरे मुँह पे बच्चा निकलता है। इनफैक्ट अपने बहन भाई को मैं बच्चा बच्चा करके बात बात कर लेती हूँ जी। हाँ, मेरे बहन भाइयों का फ़ोन मेरे पास आएगा, उनसे बात होती है, उनको मैं बच्चा बोलती हूँ। इनफैक्ट जो मेरे जूनियर्स हैं, जितने मेरे जूनियर्स हैं कॉलेज वगैरह में, जो मेरे जूनियर्स हैं, उन सबको मैं बच्चा ही बच्चा करके बात करती हूँ, निकलता ही मुँह से बच्चा है। तो ये प्यारा वर्ड है, बच्चा ही जो स्वीट वर्ड, तो बच्चे को बच्चा ही रहने दो। और इसका राइट आंसर जाएगा आपका फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, 3 चैम्बर हर्ट इज फाउंड इन, तीन कक्षीय हर्ट किसमें पाया जाएगा? मैमल्स में, बर्ड्स में, एम्फीबियन में, या आपका पाइसिस में? बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल चाइना वाला DNA बदल रहा है मैम, सोल्जर बना रहे हैं। बच्चा एक बात याद रखना, एक्सपेरिमेंट तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन चाइना की चीज़ पे कभी भरोसा मत करना। हमेशा क्या करती है? पैंडेमिक प्रॉब्लम लेके आती है। आनी एनी, मैम आप रात को सोने दो, क्लास ना ले। एनी, क्या मैंने आपको बुलाया है? मैंने क्या बोला? ये स्टूडेंट मैंने डिमांड पे लगाई है। जी हाँ, ये आपकी डिमांडेबल क्लास है, ये आपकी डिमांडेबल क्लास है, और ये डिमांड मेरे से मेरे बच्चों ने ही करी है। उनकी क्लास पे, उनकी डिमांड पे ही क्लास लगी। जो बच्चे दिन में किसी भी रीजन से मुझसे पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ाने के लिए रात में 2 घंटे की क्लास मेरी लगती है। बिल्कुल जी। चलिए, एम्फीबियन राइट आंसर सौरभ ने दे दिया, रवि का आंसर सही, अंशुमन का सही, चिंटू का सही, पंकज का सही, कार्तिक का भी सही, प्रशांत का, और बिल्कुल जी दीपक का भी सही है। ठीक है, पंकज, दीपक, अंकित, कार्तिक, साइंटिफिक, चिंटू, उत्तम जी, कार्तिक जी, गजब का आंसर आपने दिया बच्चा। एम्फीबियन, मैंने बताया था ना, एम्फीबियन के अंदर 3 चैम्बर हर्ट पाया जाएगा। अगर बात करेंगे पक्षी, तो पक्षी आपके एव्स किंगडम से है, पक्षी आपके एव किंगडम से है, और मैमल्स और पक्षी में आपका 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। मैमल्स में और पक्षियों में आपका 4 चैम्बर हर्ट पाया जाएगा, और एम्फीबियन के अंदर आपका 3 चैम्बर हर्ट पाया जाएगा। इज इट क्लियर? तो याद रखना मैम, ये जो आपका एम्फीबियंस है, इसमें आपका 3 चैम्बर, और अगर बात करें पक्षियों की और किसकी मैम, इंसान की, इनमें 4 चैम्बर। ठीक है, चलो एक मुझे गाना याद आया, तितली सी उड़ चली लेके हवा के पर को, फूल भी है साथ मेरे, मैं चली हूँ घर को। तो एक पोएम याद आ गई थी मुझे। चलो, तितली वगैरह की बात छोड़ो, इंसान और पक्षियों में 4 चैम्बर हर्ट पाया जाता है। और मैम जी, ये 4 चैम्बर हर्ट में 2 आपके ओरिकल या 2 आपके RTM होते हैं, और 2 आपके वेंट्रिकल होते हैं। 2 आपके वेंट्रिकल यानी कि 2 कोष्ठक और 2 आलिंद पाए जाते हैं ना।
चलिए जी, गुड मॉर्निंग माय डियर, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स हूफ्स आर नॉट फाउंड, किस जानवर के पास खुर नहीं होते, किस जानवर के पास खुर नहीं होते, और ऑप्शंस क्या है, डियर, जैकाल, जेब्रा या हॉर्स। तो बताओ किसके पास खुर नहीं पाए जाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस प्रशांत जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देखो मैं बता रही हूँ, मैं ओपनली इस बात को चैलेंज करूंगी, ये मेरे क्वेश्चन पीसीएस लेवल तक है, मेरे ये जो क्वेश्चन है ये ओपनली चैलेंज करके कह रही हूँ, जाके चेक करना घटना चक्र के अंदर, आपको पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, एक बार बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस का एग्जाम उठा के देख लो ना, ये क्वेश्चन आपको पीसीएस एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि मैं पहले ही एसएससी से सीधा आपको पीसीएस ले जाती हूँ, क्योंकि बच्चा एक एज के बाद बच्चा पीसीएस की तैयारी करता ही करता है। पीसीएस में साइंस की वेटेज है कम से कम कितनी है मैम, 20 नंबर की साइंस पीसीएस के अंदर आ जाती है, तो इसलिए मैं आपको पहले ही एडवांस पीसीएस की सिखा दी हूँ। बिल्कुल जी, जयकाल जयकाल जयकाल, साइंटिफिक गेमर कहाँ से सही, प्रहलाद कहाँ से गलत हो गया, अंशुमन का सही, पंकज का सही, मिंटू का सही, रवि सुमन का सही। जी हाँ बच्चा, मैम जयकाल इज द राइट, जयकाल के पास खुर नहीं पाए जाते, जयकाल के पास खुर नहीं पाए जाएंगे मैम, जयकाल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नील गाय बिलोंग्स टू विच फैमिली, नील गाय किस परिवार से संबंध रखती है। बच्चा मेरे, काओ से, गोट से, शिप से या डियर से, बताओ जल्दी से। यस माई डियर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आंसर 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 आंसर, एंड स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो गाय, जल्दी से मुझे बताओ कि जो नील गाय है वो किससे बिलोंग करती है, गाय से, बकरी से, भेड़ से या हिरन से। यस बच्चा बताओ। अगर प्रशांत आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो बच्चा मेरी मेरी क्लास तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बच्चा मैं एक बात तो आपको बता दूं कि आप मुझे प्लीज़ ऐप पे फॉलो कर लो, आप मुझे ऐप पे फॉलो कर लो, और ऐप पे क्या होता है, मैं इन क्वेश्चंस को और डीपली कराती हूँ, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करो, ऐप पे फॉलो करो मेरे निहारिका के नाम से, निहारिका नाम से आप मुझे ऐप पे फॉलो कर लो, और ऐप पे मेरी सारी क्लास लिया करो, और जो मैं क्लासेस पढ़ा रही हूँ जैसे कि वाईफाई स्टडी पे, वाईफाई स्टडी पे डेली आपकी 12 बजे मेरी क्लास होती है बायो की, इस क्लास, ये मेरी थ्योरी क्लास, इसको आप ज्वाइन करो, और वाईफाई स्टडी 2.0 पे, वाईफाई स्टडी 2.0 पे मेरी आपकी क्लास दोपहर को 1 बजे होती है केमिस्ट्री की, ये आप ज्वाइन करो, और केमिस्ट्री पूरी कराते ही मैं क्या शुरू करा दूंगी, फिजिक्स शुरू करा दूंगी, तो आपकी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और आपकी एनवायरमेंटल साइंस ये मैं आपको कवर करा दूंगी कम से कम 6 महीने में, तो 6 महीने में आपकी पूरी साइंस में कवर करा दूंगी यूट्यूब पे। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको बच्चा मैं डेली जगराता नहीं ले सकती, क्योंकि डेली जगराता लेने से मैं सो नहीं पाऊंगी, और मैं नहीं सोऊंगी तो मेरे ब्लैक हेड्स हो जाएंगे, फिर मेरी ब्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जस्ट किडिंग बच्चा, डेली मेरे को क्लास अलाउड नहीं है, मुझे हफ्ते में 2 ही दिन मिले हैं क्लास लेने के लिए, सैटरडे एंड संडे। तो इसीलिए अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लीज फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ऐप, और यहाँ पे आपको मैं बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन कराऊंगी। और 8 सितंबर से मेरा नया प्लस कोर्स लॉन्च होने वाला है, 8 सितंबर से मेरा नया प्लस कोर्स लॉन्च होने वाला है, जो कि कल मैं अपडेट कर दूंगी, इसकी टाइमिंग क्या है, किस टाइमिंग पे रहेगा, सब मैं बता दूंगी कब आपको, 8 सितंबर के लिए। ठीक है, चलिए जी, मैम सब गूगल करके बोल रहे हैं, अंधेरी एक बात समझो, अगर सबने गूगल भी कर दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर जिज्ञासा जागेगी, तो अगर किसी ने गूगल भी करा है तो बच्चा ये बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए, ताकि वो पढ़ने में अपना ध्यान लगा सके। और बच्चा राइट आंसर जाएगा हिरन, यह आपकी नाम की गाय है लेकिन यह हिरन की प्रजाति से बिलोंग करती है, और यह आपकी बच्चा खूंखार होती है, यह आपके लिए खतरे वाली होती है, यह खतरे वाली होती है, यह इंसान पर सीधा क्या करती है, अटैक कर देती है। मैम ये इसका जो नेचर होता है वो अटैकिंग नेचर होता है, ये खुकार और हमला करने वाली होती है, नील गाय खुकार जंगली गाय होती है, हमला करती है, और ये आपके हिरन के हिरन प्रजाति की पाई जाएगी, और इसके क्या होते हैं मैम, इसके आपके सींग होते हैं, इसके हॉर्न्स होते हैं, इसके क्या होते हैं मैम, सींग होते हैं। तो याद रखना मैम, नील गाय खतरनाक होती है, नील गाय खतरनाक होती है, ये अपने सींगों से क्या करती है, इंसान को पे अटैक कर देती है। चलो जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा बिल्कुल, मैम बिहार पीसीएस के एग्जाम 12 दिसंबर को, साइंस की तैयारी कहाँ से करें। पंकज शर्मा, मैं कह चुकी हूँ प्लीज़ मुझे ऐप पे फॉलो कर लो, ऐप पे ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाएगा, तो आप मुझे ऐप पे फॉलो करोगे, वहाँ मैं कंबाइंड क्वेश्चन
बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और एनवायरमेंटल साइंस सारी कवर कराऊंगी। और इसी के साथ में वाईफाई स्टडी पे डेली 12 बजे मेरी बायो की क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे ये आप ज्वाइन करो, यहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगी। और इसी चैनल पर दोपहर को 1 बजे केमिस्ट्री की थ्योरी क्लास, तो केमिस्ट्री पूरी कराते मैं फिजिक्स स्टार्ट करा दूंगी और बायो के अंदर मैं आपको ईवीएस भी पढ़ा दूंगी, तो आपकी कंप्लीट साइंस हो जाएगी आपके नवंबर तक, ठीक है। और दिसंबर में आप एग्जाम दे देना, लेकिन आप मुझे ऐप पे फॉलो करो, आप मेरी रेगुलर यूट्यूब सेशंस लो, तभी मैं पढ़ाऊंगी। और एक काम करो, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरा आज वाला सेशन देखो, आज दोपहर 12 बजे मैंने पढ़ाया वाईफाई स्टडी पे भोजन और पोषण, और कितना गजब की मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाई है, उसको देखो समझो और फिर जिस करके बोलो कि मेरी क्लास ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। एक हमारे क्लास में एक जोंबी आ गए हैं प्रभात जी, जब भी मैं क्लास लूंगी रात में कहते हैं मैडम ये क्लास यूट्यूब पे लाइव चल रही है। नहीं बच्चा, ये क्लास यूट्यूब पे लाइव नहीं चल रही, वो क्या है कि मैं सपने में आके आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टडी ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी का अध्ययन किससे संबंध रखता है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे आपके बारे में, जब मैं आपकी स्टडी करूंगी, जी हाँ बच्चा, जब मैं आपकी स्टडी करूंगी तो आपकी स्टडी क्या कहलाई जाती है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलो जी बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चलो चलो बताओ जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बोल दो ना जरा, मैं किसी से नहीं कहूंगी, क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। मैम जी चलो जी, आप बहुत क्यूट हो। जी हाँ बच्चा, हम बहुत क्यूट हैं, हमें पता है, याद रखना अगर हम क्यूट हैं तो हमारी क्यूटनेस का फायदा ना उठाया जाए और मुझे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाए। चलो जी बताओ, अनअकैडमी पर, यस मिंटू जी, अनअकैडमी पर आप क्या करो, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लो, आप अनअकैडमी ऐप को क्या करो, इंस्टॉल कर लो और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लो और वहाँ मेरे सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ वाईफाई स्टडी 2.0 एंड वाईफाई स्टडी की सारी मेरी यूट्यूब की क्लास को आप ज्वाइन किया करो, दोपहर 12 बजे वाली, दोपहर 1 बजे वाली, जहाँ आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी और आपको पीसीएस में बना के रहूंगी, टेंशन मत लो। और यहाँ से राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, जीवित और मृतक जानवरों की, यानी कि मैम एनिमल्स या ह्यूमंस दोनों की बात कर लो, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मरा हुआ, तो जिंदे और मरे हुए जानवर और एनिमल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अब बताओ फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी बताओ जल्दी से, जूलॉजी के जनक का नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कहाँ पे, NTPC 2021 में, NTPC 2021 CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जनक कौन है, जूलॉजी के जनक कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। हेमंत जी वैसे मैं यहाँ पे भी अच्छी दिख रही हूँ, एक्चुअली क्या है कि मैं 3-4 दिन से बीमार थी तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा बीमारी वाले लक्षण दिख रहे हैं, और मैं 2 दिन में ठीक भी हो जाऊँगी, मैं मेडिसिन लेके आ चुकी हूँ और मैं इस टाइम बिल्कुल सिंपल बैठी हूँ आपके आगे, जस्ट मैंने अपना डिनर किया, यस आई टेक माई डिनर एंड देन आई स्टार्ट योर क्लास, बस मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, मैंने कोई एक्स्ट्रा मेकअप फेस पे नहीं लगा रखा, दिस इज़ वट आई एम रियली नेचुरल, ठीक है। चलो जी, और जो सिंपल होता है वो बिल्कुल सोबर सबसे अच्छा होगा, बताओ जिसका राइट आंसर क्या है। नहीं थियोक्रेटस नहीं जाएगा, एरिस्टोटल जाएगा, क्या जाएगा बच्चा, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल जो है वो इसका राइट, थियोक्रेटस जो है वो आपके बॉटनी के फादर है, अगर बात करेंगे आपके जूलॉजी की तो आंसर आपका एरिस्टोटल जाएगा, क्या जाएगा बच्चा, एरिस्टोटल। मैम क्या बी फार्मा के साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यस विनय, बी फार्मा के साथ आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल जी, ठीक है, अरस्तु इज द राइट आंसर, बिल्कुल जी, सौरभ ने भी आंसर दे दिया और अजय ने भी मुझे राइट आंसर दे दिया। चलिए अब मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखो बच्चा पहले 10 क्वेश्चन आ गए, अब 10 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, मैंने आपको पहले 10 क्वेश्चन करा दिए आपके किंगडम से, अब मैं 10 क्वेश्चन कहाँ से करा रही हूँ, अब मैं 10 क्वेश्चन करा रही हूँ आपको बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से, बायो की क्लासिफिकेशन से, जी हाँ बायो क्लासिफिकेशन अलग लेसन है और आपका किंगडम अलग है, तो अब हम करेंगे 20 क्वेश्चन बायो के क्लासिफिकेशन के। चलो जी, जब जब भी आप फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो जब भी हम फूलों की स्टडी करते हैं तो फूलों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फेरनोलॉजी, एंथनोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी या फिर मैम पलाइनोलॉजी, बताओ जी, जब भी हम फूलों की स्टडी करते हैं तो फूल इतने खूबसूरत कि जिंदगी महका देते हैं, तो जब भी हम एक दूसरे की जिंदगी को महकाते हैं उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। जफर जी
मैम मेरा नाम लीजिए तब मैं ऐप डाउनलोड करूंगा। ओ माय गॉड जफर जी, अगर शर्तों पे जिंदा शर्तों पे आप मुझे कहेंगे मैम आपके ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो माय डियर मैं हूँ निहारिका राठौर और मैं शर्तों पे नहीं जीती। मेरा जो फंड है वो क्या है, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। मैं प्यार दूंगी तो बदले में मुझे प्यार चाहिए, लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप मेरा नाम लेंगे तब मैं ऐप को डाउनलोड करूंगा, तो शर्तों पे हम लोग नहीं जीते, हम अपने मर्जी से जीने वाले लोग हैं। बिल्कुल जी जी हाँ, जय हिंद जसवंत सिंह, जय हिंद। बताओ जी, पंकज ने आंसर दे दिया और जफर थैंक, और पंकज का आंसर, अजय का आंसर आ गया। अजय रोने रोने वाली बात नहीं है। प्रभात का आंसर आ चुका, पंकज का ऑथोलॉजी। चलो जी अब यहाँ से क्या करेंगे, अब मैम यहाँ से हम लोग राइट आंसर पढ़ने वाले हैं, तो बच्चे मेरे राइट आंसर क्या जाएगा मैम, एंथोलॉजी। जी हाँ, एंथोलॉजी को क्या बोलते हैं मैम, स्टडी ऑफ फ्लावर। क्या बोलते हैं मैम, फूलों के अध्ययन को। फूलों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं मैम, फूलों के अध्ययन को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं मैम, एंथोलॉजी। अब सुनो जी, जब आप ह्यूमन स्कल की स्टडी करते हैं, जब आप अपनी खोपड़ी की स्टडी करते हैं, जी स्कल को बोलते हैं खोपड़ी, जब हम अपनी ही खोपड़ी की पढ़ाई करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं मैम, फेरेनोलॉजी। क्या बोलते हैं मैम, फेरेनोलॉजी बोलते हैं। अब देखो बच्चा, एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी इसको बोलते हैं घास की स्टडी करना, स्टडी ऑफ ग्रास, स्टडी ऑफ ग्रास, स्टडी ऑफ ग्रास। मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, पता है क्या होता है, अगर कोई बात गलत होती है मैं अपने पापा की भी नहीं सुनती उस गलत बात पे। बिल्कुल ये मेरे साथ फैक्ट है, अगर मेरे मेरे पापा जी कहीं गलत हैं तो मेरे पापा जी को पता है कि उनकी बेटी उनकी भी नहीं सुनेगी। अगला है बच्चा पलाइनोलॉजी। तो बच्चा ये जो पलाइनोलॉजी होता है ये किसकी स्टडी करता है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं मैम, पलाइनोलॉजी। तो पलाइनोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, एंथोलॉजी और आपका फेरेनोलॉजी, ये चारों लॉजी मैंने आपको बता दी। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना, स्टडी करना। हाँ हाँ बिल्कुल प्रभात जी बिल्कुल, वो मेरे भाई हैं। और बोलिए जी, वो मेरे भाई हैं और इनको मैंने राखी बांधी, उन्होंने मुझे राखी में बहुत प्यारा बहुत बड़ा एक गिफ्ट भी दिया है, वो गिफ्ट मैं दिखा नहीं सकती, वो क्योंकि बहुत बड़ा गिफ्ट है ना, वो है बहुत बड़ी कार, उन्होंने मुझे मर्सिडीज गिफ्ट करी है। और बोलो, मतलब कुछ भी पूछने लग जाएंगे, पढ़ना तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जब भी हम कीड़ों की क्या करते हैं, वैज्ञानिक स्टडी करते हैं, तो कीड़ों की वैज्ञानिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इथाइलोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पेरिस्टोलॉजी या आपका मेलाकोलॉजी। बताओ जिसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ 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 जल्दी बताओ, इसको मैं सेट कर दूं वरना ये क्या करेगा, दिक्कत देगा। बिल्कुल बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे आंसर भी ऐसे ऐसे मिलेंगे ना, और मैं क्या बोल सकती हूँ। बताओ जी, एनी का आंसर प्रभात का, विश्व प्रवेश का। जी आप सो जाइए, अब हम सोएंगे पूरे 40 क्वेश्चन करा के, 20 क्वेश्चन हो चुके, 20 क्वेश्चन बाकी, उसके बाद हम सोएंगे। बच्चा मैम एंटोमोलॉजी, जी हाँ एंटोमोलॉजी को हम क्या बोलते हैं मैम, कीट विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान। अब देखो बच्चा मैम इस्थोलॉजी, जी हाँ मैम इस्थोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ फिश। इस्थोलॉजी को हम क्या बोलते हैं मैम, स्टडी ऑफ फिश। जी हाँ, मछलियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं माय डियर मैम, इस्थोलॉजी बोलते हैं। ठीक है चलो जी, और ये दो आपके होमवर्क हैं, ये आप मुझे बताएंगे होमवर्क में कि इन दोनों स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि सारी स्टडी अगर मैडम बता देंगी तो आप मुझे क्या बताएंगे। तो मैम जो आपका एंटोमोलॉजी होता है वो आपका कीट विज्ञान होता है, आपका इस्थोलॉजी क्या होता है मैम, ये आपका मछलियों का अध्ययन होता है, और ये दो आपके होमवर्क है, ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। देखो बच्चा, जब भी आप पैरासाइट की स्टडी करते हैं, जब भी आप पैरासाइट की स्टडी करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं पेरिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं मैम, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोलॉजी। ठीक है, और जब भी आप शेल्स की स्टडी करते हैं, जब भी आप पानी में पाई जाने वाली शेल्स की स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं मैम मेलाकोलॉजी। चलो जी, मैंने होमवर्क को छोड़ दिया और मैंने सारे आंसर दे दिए, आप भी याद रखेंगे धासु मैम ने आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ डाटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। देखो बच्चा, हमारे अर्थ पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इस स्टडी के डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बताएंगे। बच्चा आप कोई डाटा बना रहे हैं जिसमें आपने जनसंख्या को और अपनी मानवता के रिगार्डिंग क्या कर लिया, कुछ अध्ययन किया, तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, जेनेटिक्स मैम, डेमोग्राफी या आपका वायरोलॉजी। बताओ जिसका राइट आंसर क्या जाएगा, आई एम वेटिंग बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ।
जसवंत सिंह, ये क्लास होती है हर शनिवार, हर शनिवार की रात 1 बजे और हर संडे की रात को 1 बजे। और आज है आपके शनिवार, रात्रि हमें नींद नहीं आती। बताओ जिसका राइट आंसर क्या जाएगा। अनिल ने मुझे बहुत गजब का आंसर दे दिया, अंशुमन ने भी मुझे आंसर दे दिया है, और कौन है जल्दी जल्दी आंसर, तो जफर ने भी आंसर दे दिया है। मैम बिल्कुल जी, आगे बताओ जी। कार्तिक का, पंकज का, बाबा जी, बाबा निराला, जपनाम, माई गॉड, जपनाम जी, जपनाम। चलो जी, पंकज, अंशुमन, जसवंत सिंह का आंसर आ चुका है, निराला जी का भी, मैम डेमोग्राफी, जी हाँ जनसंख्याई की। बच्चा जब भी आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं इसको आप क्या बोलते हैं, मैम इसको बोलते हैं डेमोग्राफी। अब बात करेंगे वायरोलॉजी, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ वायरस, जी हाँ स्टडी ऑफ वायरस। मैम विषाणु की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, मैम वायरोलॉजी। और अगर आप जीन का पता लगाएंगे, जीन्स का, अगर आप जीन का पता लगाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मैम जेनेटिक्स बोलते हैं। इकोलॉजी क्या होता है बच्चा, आपके एनवायरमेंट की स्टडी, जी हाँ आपके एनवायरमेंट, आपके पर्यावरण की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी, डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, एंड वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस। इज इट क्लियर, बताओ इसका राइट आंसर। बिल्कुल जी, डेमोग्राफी जो है वो आपकी ह्यूमंस की ग्रोथ का एक नॉर्मल सा हिस्सा है जो कि करना बहुत जरूरी होता है। मिंटू यादव, बच्चा मैंने आपका नाम ले दिया, आप मिंटू जी, मिंटू जी हमको माफ करना, गलती हमारे से होगी, अगली बार आपका नाम लिया जाएगा। मिंटू जी मुझे माफ करना, गलती हमसे होगी। चलो जी बताओ, मैम वॉइस कट रही है, माय डियर मेरी तरफ से वॉइस एकदम सही है, आप कृपया करके अपने नेटवर्क को थोड़ा संचालित करें। अगला क्वेश्चन स्लाइड पे क्या है, कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नॉन एज, विभिन्न संस्कृतियों की तुलनात्मक अध्ययन और वैज्ञानिक व्याख्या के रूप को हम क्या बोलते हैं, ये मुझे आप बताएंगे बच्चा, एंथोलॉजी या आपका एंथोग्राफी। चलो जी, इसके दो ही ऑप्शन है और इन दो ही ऑप्शन से आप मुझे राइट आंसर दे दो बच्चा। जब भी आप अलग अलग कल्चर की स्टडी करते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं इसको आप क्या बोलते हैं मैम, एंथनोलॉजी या फिर आप क्या बोलते हैं मैम, एंथनोग्राफी। बताओ जिसका राइट आंसर क्या जाएगा। और इसकी हिंदी में जाओ, इसकी हिंदी गड़बड़ है, इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी गड़बड़ है, तो हिंदी में नहीं जाना, सिर्फ आपको इंग्लिश में जाना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। आई एम वेटिंग, जल्दी बताओ। जब भी आप एक स्पेसिफिक कल्चर पढ़ते हैं इसको आप बोलते हैं एंथोग्राफी। और जब आप डिफरेंट कल्चर पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं एंथोलॉजी। तो बच्चा राइट आंसर क्या आ जाएगा, एंथोलॉजी। जब आप अलग अलग संस्कृतियां पढ़ते हैं इसको बोलेंगे एंथोलॉजी। जब आप एक संस्कृति का ग्रुप पढ़ते हैं तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं मैम, एंथोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम, एंथोग्राफी बोलते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझे आप बता दीजिए, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन। जी हाँ बच्चा बिल्कुल जी, अभिषेक जी आंसर नंबर 1। अगला देखते हैं, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड द यूज ऑफ नॉलेज इस मैकेनिकल वर्ड इज नोन एज, प्रकृति में पाए जाने वाले जैव तंत्रों का गुण विधियों का अध्ययन करना और इसके ज्ञान को यांत्रिक दुनिया में उपयोग करना, इसको हम क्या बोलते हैं। यानी कि बच्चा हमने क्या किया, अपने नेचर के अंदर जितने भी हमारे जैव तंत्र थे उनका हमने गुणा किया, हमने उनका अध्ययन किया और इस अध्ययन को हमने इस यांत्रिक दुनिया में क्या किया, इस्तेमाल किया। तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ये मुझे आप क्या देंगे मैम, राइट आंसर देंगे। बच्चा स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड यूज इन मैकेनिकल वर्ल्ड, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करके उसको यांत्रिक वर्ल्ड में इस्तेमाल करना, ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं। एंड यू हैव टू गिव मी द राइट आंसर, बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। मैम अब आपको पानी पीना चाहिए, बस थोड़ी देर में क्लास ओवर कर दूंगी फिर मैं पानी पी लूंगी, टेंशन मत लो। मैम आपको नींद आ रही है, अच्छा जी मुझे ही नहीं पता मुझे नींद आ रही है बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं मैम, इसको हम बोलते हैं बायोनिक्स। जैसे कि सपोज कौन एग्जांपल, मेरे पास कोई पेड़ है और ये पेड़ मुझे प्राकृतिक रूप से मिला है, किससे मिला, प्राकृतिक रूप से। अब इस पेड़ के ऊपर मैंने क्या किया, इस पेड़ के ऊपर मैंने अध्ययन किया और पेड़ का इस्तेमाल मैंने कहाँ किया, यांत्रिक वर्ल्ड में कर दिया, यानी कि पेड़ का इस्तेमाल मैंने यांत्रिक रूप से किया। तो जब भी किसी प्राकृतिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं अध्ययन करके यांत्रिक रूप में, इसी को बोलते हैं बायोनिक्स। क्या बोलते हैं मैम, बायोनिक्स बोलते हैं, बायोनिक्स बायोनिक्स बायोनिक्स
किसी भी प्राकृतिक पदार्थ का, किसी भी जैव पदार्थ का अध्ययन करके उसको यांत्रिक दुनिया के अंदर इस्तेमाल करना, ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोनिक्स बोलते हैं। और मैं आपके लिए संडे को जो सेशन ला रही हूँ, संडे को दोपहर को 1 बजे मैं एक सेशन ला रही हूँ। इस सेशन में क्या है आपका, डिफरेंट स्टडीज़ कि किस किस स्टडी को हम क्या क्या बोलते हैं, ये मैं कराने जा रही हूँ संडे को दोपहर को 1 बजे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए जी बिल्कुल, अगला क्वेश्चन मैम क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर पैलियोबोटनी, जी हाँ मैम, अंडर पैलियोबोटनी वन स्टडी, पुराण वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? अंडर पैलियोबोटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं मैम? फॉसिल ऑफ एनिमल्स का, जंतुओं के जीवाश्म का, एल्गे का, शैवाल का, फंगस का, कवक का, या नन ऑफ दिस? बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। जफर जी हमको लग रहा है बच्चा, नहीं मैं श्लोक पढ़ा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि गले पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, तो इसलिए हम क्या है, हम हैं स्लो मोशन में। बताओ जिसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो बोलो जी, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो मैम इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ मैम। नन ऑफ दिस, पैलियोबोटनी इनमें से कुछ भी नहीं है। जी हाँ मैम, पैलियोबोटनी इनमें से कुछ भी नहीं है। जो आपकी जियोलॉजी, जियोलॉजी जब जियोलॉजी के अंदर आप क्या करते हैं मैम, जियोलॉजी के अंदर जब आप प्लांट्स की स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं मैम पैलियोबोटनी। और यहाँ पे तो मैम कहीं प्लांट्स आया ही नहीं, तो जियोलॉजी के अंदर जब आप प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं मैम पैलियोबोटनी। क्या बोलते हैं मैम? इसको बोलते हैं हम लोग पैलियोबोटनी। ठीक है, चलो जी अब हम बात करेंगे मैम हमारे फादर ऑफ पैलियोबोटनी। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पैलियोबोटनी के पिता का नाम क्या है, बताओ, फादर ऑफ पैलियोबोटनी, पैलियोबोटनी के जनक का नाम क्या है, बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी मैम। अब आप सो जाएं बच्चा, 20 देखो 7 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन बाकी है, 40 क्वेश्चन बोले थे, 40 क्वेश्चन करा के जाऊंगी, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। बीरबल साहनी, बीरबल साहनी आपके फादर ऑफ पैलियोबोटनी, याद रखना क्योंकि ये आपका CBT 2 में और आपके GD में पूछने के 98% चांस हैं। अब क्यों है ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि तजुर्बा कहता है कि ये क्वेश्चन आने के चांस है। मैम अगला क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई बात नहीं सौरभ तुम्हारी, कल दोबारा पूछ लेना, मैं बता दूंगी, टेंशन मत लो। एक बार मेरी क्लास को रिवाइंड करके देखना और ना समझ आए दोबारा आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, रियरिंग सिल्क वॉर्म इज नोन एज, रेशम के कीड़े का पालन करने को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने, एपिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर, बताओ जिसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ। और मैम इसका आंसर तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शंस में ही देखने को मिला है, इससे ज्यादा मैं आपको हिंट क्या दूं मेरे बच्चों, बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। अच्छा जी, पप्पा सुबह बहुत मारेंगे, पप्पा का बोलना कि हम धासु मैम की क्लास पढ़ रहे थे, हमने उनको क्वेश्चंस के आंसर दिए और धासु मैम ने बोला कि इस बार आपका एग्जाम पक्का पक्का क्लियर हो जाएगा। अनुज कुमार सबके कमेंट पढ़ रही हूँ, जी हाँ कार्तिक ने आंसर दिया मैम बीरबल साहनी, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बोलो 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 बच्चा, रीड के लिए साइंस मैराथन लगा दो मैम। बच्चा अब मैं क्या करती हूँ कि जो मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ये आप मेरे से थ्योरी पढ़ते रहो, सैटरडे संडे मेरी रात की क्लासेस लेते रहो, और हर सैटरडे संडे दिन में भी मैं क्लास लूँगी आपकी, दोपहर में 12 बजे भी और 1 बजे भी, वो भी आप ज्वाइन करोगे, यहाँ मैं क्वेश्चंस कराऊंगी और थ्योरी आपकी चलेगी मंडे टू सैटरडे फ्राइडे, सोमवार से आपका इसको बोलते हैं गुरुवार शुक्रवार थ्योरी चलेगी, और सैटरडे संडे क्या चलेंगे, ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस चलने वाले हैं, बिल्कुल जी। चलो बताओ बच्चा मैम इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मैम इसका जाएगा आपका सीरीकल्चर, क्या आ जाएगा मैम, सीरीकल्चर जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चा, सीरीकल्चर जाएगा। एपिकल्चर क्या होता है बच्चा, हनी बी का पालन, जी हाँ हनी बी का पालन को हम क्या बोलते हैं, मधुमक्खी के पालन को हम क्या बोलते हैं मैम, एपिकल्चर बोलते हैं। बागवानी को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, और फूलों की खेती को हम क्या बोलते हैं मैम,
फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो मैम ये क्वेश्चंस तो आपको यहीं मिल गए, मधुमक्खी के पालन को एपिकल्चर, बागवानी को मैम हॉर्टिकल्चर, रेशम के कीड़े के उत्पादन को सीरीकल्चर, और फूलों की खेती को हम बोलते हैं फोरिकल्चर। मैम क्या बोलते हैं? मैम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। मैम पीडीएफ मिल सकता है? यस माई डियर, मेरी वीडियो के साथ मैं पीडीएफ को अटैच करवाऊंगी। जी हाँ, मेरी वीडियो के साथ मैं क्या कराऊंगी? पीडीएफ को अटैच करवा दूंगी। परेशानी वाली बात है ही नहीं, पूरे 400 क्वेश्चन का पीडीएफ है ये जो मैं अटैच करवा दूंगी। जितने क्वेश्चन आज होंगे बाकी के हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल जी। मैं अभी तो सब लोग सो गए हैं क्योंकि टीम सारी सो गई, तो कल सुबह ही मैं क्या करूंगी इसके पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगी अपनी टीम को, और वो क्या करेगी मेरी वीडियो के साथ में नीचे आपको लिंक में दे देगी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? हनी बी आर यूज्ड इन, मधुमक्खियों का यूज कहाँ किया जाता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। मधुमक्खियों का यूज कहाँ किया जाता है मैम? सीरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में, या पिशी कल्चर में? बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। मैं भी जाग गया आपको देख के। ओ माय गॉड, मैम बेसिक बायो की क्लास कब चलती है? माय डियर मैंने बोला बायो की दो थ्योरी क्लास चल रही है, बायो की दो थ्योरी क्लास चल रही है। अब दोबारा नहीं बोलूंगी, अब रिपीट मत करवाना। सुनो, दो चैनल, एक तो यही जो आप मुझे देख रहे हैं वाईफाई स्टडी 2.0, वाईफाई स्टडी 2.0, ये आप देख रहे हैं। यहाँ दोपहर को 1 बजे मैं आपको केमिस्ट्री की थ्योरी क्लास पढ़ा रही हूँ, और मेरी सीरीज का नाम है धमाका सीरीज। अगला वाईफाई स्टडी मेन चैनल, एक चैनल और है वाईफाई स्टडी, यहाँ पे डेली 12 बजे आपको मैं बायो का सेशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है? और बच्चा ये दोनों टाइमिंग जो है आपके थ्योरी के, ये आपके मंडे टू फ्राइडे हैं। अब मैम शनिवार और सैटरडे को आप क्या करती हैं? तो शनिवार सैटरडे एक हम ले लेती हूँ जगराता सेशन, और एक संडे को मैं क्या कराती हूँ, जैसे कि किसने किसकी खोज करी, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, किसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो ऐसे आर्टिकल्स मैं आपको संडे और सैटरडे कराऊंगी। बिल्कुल जी, चलिए मैम बेसिक कब पढ़ाती हूँ तो मैंने बता दिया। बेसिक पढ़ने के लिए आप क्या करें, यहाँ से मेरी थ्योरी को ज्वाइन कर लीजिए, और आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरी अलग अलग क्लासेस में अलग अलग आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। अनुज कुमार सबका नाम ले दिया मैंने। सौरभ तिवारी, अगर आपने सर के ले गया तो आप मैम से भी कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? मैम से नहीं पढ़ सकते क्या आप लोग? चलो राइट आंसर क्या जाएगा मैम? एपी कल्चर। क्या जाएगा? एपी कल्चर में हम इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मैम? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मैम इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं? एपी कल्चर, मधुमक्खी, सीरी कल्चर, मैम रेशम कीट, पिशी कल्चर, कीट, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, इनमें से कौन सा गलत है ये मुझे आप बताएंगे। इनमें से कौन सा गलत है ये मुझे आप बता दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, राजेंद्र कुमार जी आ गए झंडे के साथ जी। अच्छा जी, हेलो मैम, हेलो डियर। बच्चा एक एक बार सबका नाम लेती हूँ ना, बार बार मत बोलो कि मैम नाम लो, दिख रहा है ना क्या? पानी पी के क्लास ले रही हूँ क्योंकि गले को हाइड्रेट करना है, तो बार बार कि मैम मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, ऐसा मत बोला करो मेरे लाल प्यार। और बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा? चलो सौरभ तिवारी थैंक यू। मैम इसमें ये जो है पिशी कल्चर, ये गलत। पिशी कल्चर मतलब क्या होता है मैम? पिशी कल्चर में हम मछली का काम करते हैं ना, मत्स्य पालन, क्या बोल सकते हैं मैम? मत्स्य, मैं ये आप सही है, मत्स्य पालन। मेरी हिंदी थोड़ी सी आगे पीछे, मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ नहीं मैम, मत्स्य पालन। अब मैंने लिख दिया इसको आगे पीछे कर लेना, तो मत्स्य पालन को हम बोलते हैं पिसी कल्चर, मत्स्य पालन। बच्चा इतना मैंने लिख दिया, अब आप उसको ठीक करना क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी बहुत क्या रहती है, डम्बाडोल रहती है। तो मत्स्य पालन को बोलते हैं पिशी कल्चर, पिशी कल्चर, पिशी कल्चर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा सही है? अब यहाँ क्या बताएंगे? यहाँ बताएंगे कौन सा सही, पहले बताया था कौन सा गलत, यहाँ बताएंगे कौन सा सही है। इन चार में से 3 गलत है, 1 सही, बताओ जी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। चलो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, और ये मैंने दे दिया होमवर्क में, होमवर्क में पढ़ना समझना और बताना राइट आंसर क्या आ जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन स्लाइड पे क्या है बच्चा? मैम
हाँ आपका क्या है मैम, लेक्सिकोग्राफी। जी हाँ, लेक्सिकोग्राफी किससे संबंधित है, लेक्सिकोग्राफी किससे रिलेशन रखती है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संकलन से, आपके हस्तलेखन से, या आपके मॉड्यूल के शिक्षण से। तो आपका लेक्सिकोग्राफी किससे संबंध रखती है, बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। आई एम वेटिंग, इट्स 2 AM इन द मॉर्निंग मैम, आई नो इट वेरी वेल। और क्लास आपकी चलेगी अभी 2:30 बजे तक, क्योंकि अभी 8 क्वेश्चन बाकी हैं और 8 क्वेश्चन करा के आज की क्लास के 40 क्वेश्चन में क्या करा दूंगी, पूरे कंप्लीट कराऊंगी। 40 क्वेश्चन तो आज हम करा के जाएंगे ही जाएंगे। अभी शर्मा थैंक यू मैम, आप सोती नहीं है, नहीं बच्चा, क्योंकि मेरा मेलाटोनिन खत्म हो गया, मेरी बॉडी में मेरे दिमाग के अंदर मेलाटोनिन बनना क्या हो गया, बंद हो गया, और इससे मुझे नींद नहीं आती। कोई कहता ना कि आपको नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे शरीर में मेलाटोनिन बनना क्या हो गया, बंद हो गया। बताओ जी मैम राइट आंसर क्या जाएगा बच्चा, डिक्शनरी, शब्दकोश का संकलन। शब्दकोश के संकलन को हम क्या बोलते हैं मैम, लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। और यहाँ से राइट आंसर किस किसने दिया है बच्चा, सौरभ का राइट आंसर है। मैम इस बैच का टाइम बदल दीजिए, सौरभ तिवारी दिन में चलता है मेरा थ्योरी बैच, दिन में चलता है मेरा थ्योरी बैच 12 बजे और 1 बजे, फिर रात को 10 बजे चलती है हेल्थ टिप, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। इसके बाद में रात को 1 बजे क्या चलेगा, क्यूज सेशन, यानी कि साइंस के क्वेश्चंस का सेशन चलेगा, यही मेरा टाइम है। चलिए जी आगे देखते बच्चा, आगे क्वेश्चन क्या है, द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स बींग यूज एज वेजिटेबल इज कॉल्ड, सब्जी के रूप में प्रयोग होने वाले पौधों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऐसे पौधे जिनका इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, सब्जियों के लिए करेंगे, उन स्टडी को हम क्या कहते हैं मैम, फोरिकल्चर मैम, पोमोलॉजी, हॉरिकल्चर, या आपका ओलेरिकल्चर। बताओ जी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बताओ जी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बताओ बताओ बताओ। ऐसी सब्जियां या ऐसे पौधे जिनकी सब्जियों, मतलब सुनो मेरी बात बच्चा, क्वेश्चन क्या है, सब्जी के रूप में प्रयोग होने वाले पौधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ये मुझे आप बताएंगे, और आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आदर्श सबके कमेंट कमेंट देख रही हूँ, एस आर फन वीडियो, आदर्श मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ, बिल्कुल जी। और सिंह चैन भी आ चुके हैं, अंशुमन, तुषार, आदर्श, गिरिराज, अंशुमन, रघु, आनंद, वेकअप क्लास, पंकज, अंशुमन, जुगनू, फुगनू, तुषार, आनंद, अभी, सुरेंद्र जी, पंकज, मिंटू, निशु, मैक्स, सबके नाम ले रही हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं। और इसी के साथ 94 लाइक हो चुके हैं, और इस 94 को क्या कर दो 100 के पार बच्चा। मैम ओलेरी कल्चर इसका राइट आंसर जाएगा, जी हाँ, ओलेरी कल्चर में हम क्या करते हैं, हम ऐसे सब्जियों के पौधे को पढ़ते हैं, जी हाँ, सब्जियों के रूप में इस्तेमाल होने वाले पौधे की स्टडी को हम क्या बोलते हैं मैम, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम, ओलेरी कल्चर बोलते हैं, जी हाँ बिल्कुल जी। चौथा आंसर सबका सही, आनंद का भी सही, बिल्कुल जी, फन वीडियोस का भी सही। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाई विटी कल्चर, विटी कल्चर से किसका उत्पाद किया जाता है, ये रहा आपके सामने ऑप्शन, विटी कल्चर से, जी हाँ बच्चा, विटी कल्चर से हम किसका उत्पाद करते हैं, बताओ जिसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रोड्यूस बाई विटी कल्चर, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जी हाँ बच्चा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग मैम, मैं राज पुलिस नगर से लाइव हूँ, ओ माय गॉड, रिचपाल चौधरी, जय हिंद आपको, जय हिंद। चलो बताओ बच्चा, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रो विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या है बच्चा, किस किस स्टडी को बोलते हैं विटीकल्चर, जल्दी से बताओ। एक हिंट दूं, लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी आपने, लोमड़ी की कहानी सुनी है, लोमड़ी की कहानी में लोमड़ी को क्या नहीं मिलते, लोमड़ी की कहानी में लोमड़ी को क्या नहीं मिलते, वही इसका राइट आंसर, बताओ जिसका राइट आंसर। जी हाँ बच्चा, ग्रेप्स, अंगूर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं मैम, अंगूर की स्टडी को हम बोलते हैं विटीकल्चर, 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 जी हाँ, अंगूर की स्टडी को बोलते हैं विटीकल्चर। और विटीकल्चर से ही हम क्या करते हैं, नए नए मोटे मोटे आपके हरे भरे, आपके काले पीले, आपके अंगूरों को पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मैम, व्हाट इज वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या होता है बच्चा, ये मुझे आप बताएंगे। कीड़े पालने का विज्ञान, जानवरों के अध्ययन का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान, या फिर कीड़ों को मारने का विज्ञान, तो वर्मी कल्चर क्या होता है ये मुझे आप बताएंगे, बताओ इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। और वर्मी कल्चर में हम केचुआ पालते हैं मोस्टली, क्या पालते हैं,
केचुआ यानी कि अर्थवर्म, केचुआ। और केचुआ को हम क्या बोलते हैं मैम? फार्मर फ्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम? फार्मर्स फ्रेंड, किसान का दोस्त बोलते हैं। ये क्या होता है मैम? ये डिकम्पोजर होता है, ये आपका डिकम्पोजर होता है, यानी कि ये आपका अच्छा अपघटक होता है। क्या होता है मैम? अपघटक होता है। बताओ जिसका राइट आंसर क्या जाएगा। सिंचन, अंशुमन, पंकज, सुधांशु, अजय, पंकज, फन वीडियो, नितेश, कार्तिक, संजय महतो, पंकज, दिलीप जी, सुधांशु, वेकअप क्लास, पंकज, शैलेंद्र, प्रेमचंद्र, सुधांशु, टोलेंट, प्रूसेट, सबके मुझे आंसर आ चुके हैं। और यहाँ से राइट आंसर, जी हाँ, रेजिंग वॉर्म। जी हाँ बल्कि सौरभ जी, मैम इसका आंसर क्या जाएगा बच्चा? कीड़ों के पालने के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं मैम? कीड़ों की तादाद बढ़ाना, इसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर में हम हमेशा केचुओं का पालन करते हैं। किसका पालन करेंगे? वर्मी कल्चर में हम हमेशा केचुओं का पालन करते हैं। और प्लीज मेरे लाइक को आपने 100 के पार पहुंचा दिया, उसके लिए दिल से प्यार वाला थैंक यू। चलो जी अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है बच्चा? इन वर्मी कल्चर वॉर्म यूज, वर्मी कल्चर में कौन से कीड़े का प्रयोग किया जाता है? देखो मैंने आपको पहले आंसर बता दिया था, अब आप मुझे इसका राइट आंसर बता दो। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर बताया था, अब आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। तो मेरे लाल प्यारो, मेरे सिकंदरों, बताओ इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बताइए बच्चा इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बोलो जी, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सिंह चैंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम राम साजी, राम राम, राम राम जी। थैंक यू सुधांशु, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। और बताओ जी, मैंने बताई था ना मैम अर्थवोम यानी कि मैम केचुआ जाएगा इसका राइट आंसर। चलो जो अगला क्वेश्चन मेरे लाल प्यारो, तो अगला क्वेश्चन क्या है? जेनेटिक्स किससे संबंधित है? जेनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हैं मैम? जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं मैम? मेंडलीज के लॉ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ते हैं, डीएनए पढ़ते हैं, या आप अनुवांशिकता पढ़ते हैं? तो अब आप मुझे क्या बताएंगे जेनेटिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हैं? बताओ जिसका राइट आंसर क्या जाएगा। जेनेटिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हैं? बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। हाँ भाई जापान से। ओ माय गॉड सिंचन जी, आप लोग आपस में लड़ते क्यों रहते हैं बच्चा? एक बात बताओ, लड़ना नहीं है, आप क्या है? हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी है ना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हमें के नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी है ना। और यहाँ से राइट आंसर देखो, अब मैं आपको अच्छे से दिखाई दे रही हूँ, तो यहाँ से राइट आंसर क्या जाएगा बच्चा मैम? हेरिडिटी एंड वेरिएशन बच्चा, अनुवांशिकता और विविधता इसका राइट आंसर जाएगा। अनुवांशिकता और विविधता इसका राइट आंसर जाएगा। मैम आप कैसे हैं बच्चा जी? मैम बिल्कुल हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत शानदार। चलो जी मैम, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। अब बताओ फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? बताओ जी फादर ऑफ जेनेटिक्स, जल्दी बताओ। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, मैं कहाँ से लाइव हूँ? मैम मार्स से लाइव हूँ। ओके मिंटू जी, आप मार्स से लाइव है, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? बोलो 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 बच्चा। ग्रेगोर मेंडल, जी हाँ मैम, ग्रेगोर मेंडल जो है वो है आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या है बच्चा मैम? वो है आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। चलो जी, चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे हम चले। जी हाँ मैम, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरस्तु नहीं, ग्रेगोर मेंडल बच्चा, ग्रेगोर मेंडल जो है ये आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स है, अनुवांशिकी के जनक। जी हाँ, कौन है मैम? ग्रेगोर मेंडल। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ बच्चा, द स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड। अगर कल आपने मेरी ओल्ड एज वाली क्लास देखी है कि हम बूढ़े कैसे होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आप मुझे दे पाएंगे मैम? जेरेंटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ये रहे आप सबके सामने ऑप्शन, बताओ उसका राइट आंसर क्या जाएगा। मैम जो आपका जेरेंटोलॉजी होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसका आंसर दो। मैंने कल आपको पढ़ाया था वाट इज जेरेंटोलॉजी, वाट इज जेरेंटोलॉजी कल मैंने आपको पढ़ाई थी। चलिए मैम क्लास, बस बच्चा 5 मिनट और, 2 क्वेश्चन बाकी हैं, तो मैं आपकी क्लास को मैं 2:30 बजे तक चलाऊंगी, फिर मैं क्या कर दूंगी? ऑफ कर दूंगी, ठीक है। टेंशन मत लो इतना कि आप पढ़ सके, आपको मजा है, इतना ही बताऊंगी। कौन अरस्तु बोल रहे हैं? अरस्तु आपके फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ जूलॉजी है, लेकिन फादर ऑफ आपके जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगोर मेंडल। चलो जी, वी शैल ओवरकम
shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart, I have believed. वी शैल ओवरकम सम डे, बताओ जी, ओल्ड एज। जी हाँ, जब आप बुढ़ापे की स्टडी करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं मैम, बुढ़ापे की स्टडी को हम क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं हम लोग जेरेंटोलॉजी। और आपके डीएनए के अंदर, जी हाँ, ये जो आपका क्रोमोसोम का डीएनए, डीएनए के ऊपर यहाँ पे एक आपका मेटीरियल पाया जाता है, इस मेटीरियल को हम क्या बोलते हैं मैम, टोलोमर। क्या बोलते हैं मैम, टोलोमर बोलते हैं। और यही टोलोमर क्या करता है, यही टोलोमर आपके शरीर में सेल का डिवीजन कराता है, यही टोलोमर आपके शरीर में कोशिका विभाजन कराता है। क्या कराता है, कोशिका विभाजन कराता है। और जब आपके शरीर के अंदर, जब आपकी उम्र बढ़ती है, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो जो आपका टोलोमर होता है आपके शरीर में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब टोलोमर कम होएगा तो आपकी बॉडी में सेल क्या हो जाएंगी मैम, सेल आपकी मरने लग जाएंगे और आपका बुढ़ापा आ जाएगा। तो टोलोमर समझ में आ गया, मुझे बता दो मैम, पहले 2 दिन क्लास नहीं हुई क्या? हुई है बच्चा, क्लास दोपहर में हुई है ना, दोपहर में हुई तो है। आज 12 बजे, आज 12 से मैंने 2:20 तक कहाँ पढ़ाया है, मैंने वाईफाई स्टडी में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है ना, ये मैंने पढ़ा दिया। फिर मैं आपको लेके आ गई 1 बजे की क्लास, तो कितना मैं बच्चा, मुझे 3-4 घंटे ही आने दिया करो वो इस पे यूट्यूब पे, वरना ज़्यादा आने से क्या हो जाएगा, गला खराब भी तो हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल जी, याद रखना आपका बूढ़ा कौन करता है मैम, टोलोमर करता है। आपका बूढ़ा कौन करता है, टोलोमर, टोलोमर, टोलोमर करता है। और बुढ़ापा एक कड़वा सत्य है, हम सबको क्या होना है, एक दिन बूढ़ा होना ही है। जी हाँ, हम भी होंगे, आप भी होंगे। अगला देखो, जब आप अपने हड्डियों के अध्ययन करते हैं तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन करने वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं मैम, मैम इसको बोलते हैं मैम ओक्नोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, टेरेटोलॉजी या आपका ओरिंथोलॉजी। बताओ जी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ। बोलो बोलो बोलो, हाँ हाँ टोलोमर, बिल्कुल जी टोलोमर, मैंने भी तो यही बोला बच्चा टोलोमर। मैम हम आधी रात को पढ़, मैम हमारी रात को पढ़ने की आदत हो गई है। ओ माय गॉड, मतलब आप लोग भी ना बहुत 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 शैतान हैं। चलो जी, इसका राइट आंसर हम लोग दे ही देते हैं मैम, इसका राइट आंसर क्या है, ऑस्टियोलॉजी है ना। और क्या होता है मैम, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी से होता है। जी हाँ, कैल्शियम की कमी से क्या होता है मैम, आपके शरीर में एक तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। जी हाँ मैम, एक तो बच्चों में क्या हो जाता है मैम, रिकेट्स हो जाता है। बच्चा मुझे टाइम भी देखना पड़ रहा है, रिकेट्स हो जाता है। एक क्या हो जाता है मैम, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और एक क्या होता है मैम, ऑस्टियोफिरोसिस, ऑस्टियोफिरोसिस। ऑस्टियोमलेशिया आपको एडल्ट के अंदर होता है मैम, ऑस्टियोफिरोसिस आपको ओल्ड एज में होता है, और रिकेट्स आपको बच्चों की एज में पाया जाता है। तो ये है आपके शरीर में कैल्शियम या फिर विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। चलो जी बच्चे, इसका राइट आंसर बताओ मुझे जल्दी से। और अब मैं क्या करूँगी, मैंने अपने आर्टिकल से यहाँ तक के क्वेश्चन को निशान लगा दिया, और इसके बाद में अगले क्वेश्चन हम कब करेंगे, कल करेंगे। बिल्कुल जी, पता है कि मैम मेरे पास बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कितने क्वेश्चंस हैं, मैंने उसको अभी क्या किया, मैंने पेज पलट के उन क्वेश्चन को निशान लगा दिया, और अब मुझे समझ में आ गया है कि कल मुझे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करने है। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि कभी कभी कुछ डीप एक्सप्लेनेशन मुझे देनी पड़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद हम कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। बच्चा पेडोलॉजी किसकी साइंस है, पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, बताओ जिसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। जय हो बच्चों, बता दो जी बच्चा, और ऑप्शन क्या है आप सबके सामने है, एटमॉस्फेयर, सोइल, पॉल्यूटेंट या सीड। बच्चा पेडोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं, बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा। बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ओ माय गॉड, ये मार्कर थोड़ा सा हो गया। हाँ बताओ बच्चा, जो आपका पेडोलॉजी होता है वो किसकी स्टडी को बोलते हैं, जल्दी बताओ। पैडोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं, जल्दी बताओ। जय हो करे जा रहे हो, अरे जय हो तो हो गया, पैडोलॉजी बताओ जल्दी किसकी स्टडी को बोलते हैं। आंसर आ गया पंकज का, फन का, सत्यम बच्चा ऑप्शन दे दिया, गोविंद का, और सुधांशु का, निमेश का, अनुज का, दीपक का, भगवत का, स्मार्ट का, सिंचन का, अंशुमन का। बच्चा मिट्टी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पैडोलॉजी बोलते हैं।
मिट्टी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं मैम, पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलो जी, तो ये क्लास तो हुई मेरी खत्म आज के लिए। अब सुनो कल का शेड्यूल, कल रात को 10 बजे आपकी पिंपल वाली क्लास है, और पिंपल वाली क्लास को सब लोग ज्वाइन कर लेना। फिर रात को 1 बजे आपकी जगराता क्लास है, जगराता क्लास को सब लोग ज्वाइन कर लेना। दोपहर को 12 बजे कौन से चैनल पे, वाईफाई स्टडी पे, दोपहर को 12 बजे वाईफाई स्टडी पे जो क्लास है वहाँ मैं क्या पढ़ाऊँगी, वहाँ मैं आपको क्या पढ़ा सकती हूँ, एक सेकेंड को मुझे देख रहे, तो मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, बोतल भी ऐसे गिर गई कि समझ नहीं आया। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी, मेजरिंग स्केल, जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट एंड देयर स्केल, इंस्ट्रूमेंट एंड देयर स्केल, ये पढ़ाऊंगी मैं आपको 12 बजे वाईफाई स्टडी पे। और 1 बजे मैं क्या पढ़ाऊंगी, हेडक्वार्टर एंड देयर लोकेशन, हेडक्वार्टर्स एंड, नहीं, यहाँ पढ़ा देती हूँ मैं आपको, ये पढ़ा देती हूँ मैं आपको 1 बजे, हाँ 1 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पे मैं पढ़ा दूंगी आपको इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे 12 बजे मैं क्या पढ़ा दूंगी, हेडक्वार्टर एंड देयर स्टेट्स। ठीक है, चलो, तो ये आपके संडे का और कल का टाइमिंग मैंने दे दिया। चलो जी, इसके बाद मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। बोतल गिरा, हाँ बच्चे बोतल गिर गया, गिरने तो कोई बात नहीं। चलिए, तो आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस क्लास को लाइक एंड शेयर करना। मैंने आपको 1.5 घंटे पढ़ाया, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत संयम से पढ़ाया, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई क्लास और मेरे अगले क्लास का रूटीन। कल 10 बजे पिंपल की क्लास, रात को 1 बजे जगराता क्लास, 12 बजे हेडक्वार्टर की क्लास, और आपका 1 बजे किसकी क्लास हो जाएगी, 1 बजे आपकी इंस्ट्रूमेंट की क्लास हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जी। फिजिक्स का क्लास लाओ मैम, बायो का, माय डियर सारी क्लास चलती है, पढ़ा करो पहले। टोटल 400 क्वेश्चन है, इन 400 क्वेश्चन में से क्या है बच्चा, 100 क्वेश्चन बायो के, 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के, और फिर आपके 100 क्वेश्चन ईवीएस के भी हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन की सीरीज, टेंशन मत लो, 113 लाइक हो गए, चलो बच्चा थैंक यू। चलिए, तो अब हम इस क्लास को ओवर करते हैं, क्योंकि अब हमें सुबह उठना है और एक्सरसाइज करनी है, और इसके बाद में हमको आपके ऐप पे क्लास भी लेनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपको जो नोट्स हैं वो कल मेरी वीडियो के नीचे लिंक में मैं क्या करवा दूँगी, अपलोड करवा दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। चलिए, और इसी के साथ सबको एक प्यार वाला गुड नाइट, शब्बा केयर, लव यू टू ऑल। कल मिलेंगे रात को 10 बजे, रात को 1 बजे, अगले दिन फिर 12 बजे, 1 बजे, एंड सो ऑन, हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी। तो इस फैमिली को यहीं पे गुड नाइट टू माई ऑल।